I've fallen in love with I Love. I love. Él bole, wow. मैं टीसी लेकर कॉलेज छोड़कर जा रही हूँ। टीसी? रुक रुक, क्यों, क्या हुआ? विक्रम की हैरेसमेंट ज्यादा हो गई थी। पापा ने प्रिंसिपल से कंप्लेंट भी की थी, पर कल रात को विक्रम घर आया था। कौन है आप लोग? प्रिंसिपल से कंप्लेंट तूने की थी? हाँ, की थी। ए, क्या कर रहे हो? पापा, विक्रम, वो खुला तो मार डालूंगा। मैं परवाना हूँ, शम्मा जलेगी तो परवाना आएगा और उसे बुझा जाएगा। खूबसूरत लड़की पैदा करके तेरा बाप बोलता है छेड़ो मत। तू क्या है? अगर शेर के सामने शिकार रखेगा तो क्या देखता रहेगा? वो उस पर अटैक करेगा। दोबारा मेरी कंप्लेन की ना, तेरा बाप नहीं रहेगा। भाई, अमृता ने अपनी फ्रेंड्स को सब कुछ बता दिया। विक्रम, उसने अपनी फ्रेंड को सब कुछ बता दिया। बोला था ना किसी को कुछ मत कहना, फिर भी बोल दिया। ये क्या कर लेगी? विक्रम, बिहेव योरसेल्फ, ये सही नहीं है। तू क्यों बोल रही है? तेरे घर आऊं क्या? तेरे घर आऊं? बोला हूं? बोला। बोलना, आओ ना। By the way, I'm Sweetie. Sign, please. No!
सारी गुंडागर्दी मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली है। मैं अभी पुलिस को फोन करने जा रही हूँ। पुलिस को? पता है ये लोग कौन है? चक्रवर्ती ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम सुना है? हाँ, ये वर्कर्स हैं। क्या? ओनर्स। ओनर्स? उनका स्टाइल भले ही वर्कर्स जैसा हो पर दिल बहुत बड़ा है। ये लोग क्या करते हैं जानती हो? इतना ठीक है ना? पापा ऑमलेट रेडी है। जियो मेरे लाल, देसी घी का ऑमलेट। कैसा है पापा? सुपर, मस्त बनाया बेटा। सही है। ले भाई, तू भी खा, मजा ले। ए, ये क्या पी रहा है? सॉफ्ट ड्रिंक? अरे सोमरस पी। नो पापा, मेरे लिए यही ठीक है। बाप बेटे साथ में पीते हैं? शराब पीना गलत बात नहीं है, शराब पीकर बहकना गलत बात है। ये आप कैसे कह सकते हैं? पापा आप खाना खाएं? भजिया। चलिए फ्राई भजिया, डाल डाल नींबू निचोड़ अच्छे से। लियो साहब। ले भाई ले, खा ले खा ले। अरे तेल कम है, तेल कम है, खा ले खा ले खा ले। मजा आ रहा ना? सुपर। ले भाई नींबू ले, नींबू ले। अगर कोई हमारी हेल्प करे तो उसे थैंक्स कहना चाहिए, कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए, और इनके खिलाफ तो बिल्कुल नहीं। सर, मेरी बेटी का कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा ना? हाँ हाँ, पैसे जमा कर दो, एडमिशन हो जाएगा। अच्छा गोस्वामी जी। जी सर। अश्वेत नारायण वाला फंक्शन कितने बजे और कहाँ है ये पता करके मुझे बताइए, मैं दिल्ली से आते ही सीधा फंक्शन में चला जाऊंगा। ओके सर। कुछ काम है क्या? नहीं नहीं सर जी, चलते हैं बस। कौन है वो जिसने तेरी ये हालत बनाई है? डैडी, मुझे चक्रवर्ती और उसके बेटों ने मारा है। चक्रवर्ती और उसके बेटों में इतनी हिम्मत कब से आ गई? किसी के घर जाकर जबरदस्ती लघु शंका करेंगे तो पिटेंगे ही ना। क्या गोस्वामी जी, आप भी बच्चा है, अभी बड़ा नहीं हुआ, इस उम्र में गलती नहीं करेगा तो क्या आपकी उम्र में करेगा? मैंने गलत कहा? नहीं नहीं, सही कहा। बेटा, मार खा के कोई हीरो नहीं बनता, जवाब देने वाला हीरो बनता है। इत्मीनान रखो, टाइम आने दो, बदला लेंगे सही वक्त आने पर। आएगा, ऊंट पहाड़ के नीचे जरूर आएगा। तू जा पार्टी कर जा। क्या मामू, 12 के बजे चेहरे पे? ये क्या है? ये क्या, मेरी साइड प्रोफाइल छपी? कितना मोटा लग रहा हूँ, वेट कम करना पड़ेगा। बेकार फोटो। हाँ, पहले लड़ाई करते हो फिर फ्रंट पेज पे फोटो छपवाते हो, ये लड़ाई क्यों की है? वैसे झगड़ा किस बात का है? झगड़ा क्या है, शादी किसकी है ये बिना जाने आशीर्वाद देकर आ जाते हो? ओ बाप रे, तुम तीनों में से किसी एक को प्रॉब्लम हो तो तीनों जाके लड़ाई करके आ जाते हो और कहते हो कि कुछ नहीं हुआ, ये क्या बात हुई? झगड़े से याद आया, अरबल्ली जी, गगन की कार में रॉड रखवा देना, काम आएगा। जी सर। क्या रॉड? कॉलेज जाने वाले लड़के को किताबें देनी चाहिए और आप उसे रॉड दे रहे हैं। मामू है ना। थैंक्स बेटा, तुम्हारा एहसान मैं कैसे चुका? अरे अंकल, आप कैसी बात कर रहे हैं? प्रॉब्लम हो तो कॉलेज नहीं छोड़ते, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ऑल द बेस्ट।
कुछ है, एक्चुअली ये खराब हो गई थी, मैंने इसे ऑनलाइन रिपेयर करवाया है। थैंक यू। तुम्हारी फाइट को मैंने फेसबुक पे अपलोड कर दिया है, 6 मिलियन व्यूज मिले हैं। एक चाइनीज ने तो मुझसे पूछा कि ये कौन सा स्टाइल है, कुंग फू या कराटे, तो जानते हो मैंने क्या बोला, ये साउथ का स्टाइल है। अच्छा, जब तुम फाइट करके घर जाते हो तो मम्मी कुछ नहीं बोलती? मेरी माँ नहीं। हेलो, तुम इस पे लाइन मार रही हो, वेस्ट है। ये दीवार की तरह है जिसपे लिख सकते हैं बात नहीं कर सकते, ये बाउंसर बन सकता है, बॉयफ्रेंड कभी नहीं। ये तो लड़की को देखता तक नहीं है, ये है देशद्रोही। अगर लड़की को नहीं देखा तो देशद्रोही कैसे? हाँ, लड़कियाँ घर में पूरी तरह से सीधी बन के रहती हैं, बाहर आते ही क्लासी, ट्रेंडी, स्टाइलिश हो जाती हैं। बोलो क्यों? Why? क्यों? ऐसे लड़कों के लिए। और तो और, प्रोटीन शैम्पू, मल्टीविटामिन कंडीशनर, हेयर स्प्रे, हेयर जेल, आईब्रोज की थ्रेडिंग, आईलैशेस का मस्कारा, लिपस्टिक, लिप ग्लॉस, पेनफुल ब्लैकहेड रिमूवल, फाउंडेशन पैक, फेस पैक, शोल्डर पैक, डेंटल पैक, पेडिक्योर, मैनिक्योर, वैक्सिंग, धूप में सनस्क्रीन और पानी में वाटर रेजिस्टेंट। क्यों करते हैं ये सब? ताकि लड़के हमें देखें। इन्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि हमें कितना इरिटेशन होता है, फिर भी स्किन टाइट जींस पहनते हैं हम इनके लिए। इसके बाद भी अगर ये हमें नहीं देखेंगे, कॉस्मेटिक्स की सेल नहीं होगी, पार्लर का बिजनेस ठप हो जाएगा, कपड़े की दुकान में लेडीज नहीं होंगी, फैशन डिजाइनर्स भूखे मर जाएंगे, प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं होगी, जीडीपी डाउन चला जाएगा और सेंसेक्स की तो बुरी तरह से बाट लग जाएगी। अब तू ही बता, ये देशद्रोही है या नहीं? मेरे हिसाब से जो लड़का मंडे टू फ्राइडे दिल लगा के काम करेगा और सैटरडे संडे अपनी गर्लफ्रेंड पे खर्चा करेगा, वही लड़का टिंच है। प्यार करता है तो करेगा, मेरा दिल इस पे आया, इसके पीछे भाग भाग के मेरी 12 जोड़ी चप्पल घिस गई, पर इसका दिल नहीं घिसा। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है पर इसने कभी भाव नहीं दिया। अब तो घर वालों ने लड़का भी देख लिया, 3 दिन में एंगेजमेंट है मेरी, फिर तो मैं बाहर निकल नहीं पाऊंगी, इसलिए पब में पार्टी दे रही हूँ, तुम सबको आना है, ठीक है? और तुम ऐसे मुंह लटका के मत आना, ओपनली हैप्पीली एंजॉय करना। मेरे पापा और भैया भी आएंगे। हाँ? भैया और पापा भी पब में आएंगे? मैम, हमने सोचा था पार्टी में ऐश करेंगे, ढिंचैक करेंगे, मजे करेंगे, खूब पिएंगे, पर मूड ऑफ हो गया। क्या हुआ? ऊपर से वो गगन अपने फादर को और अपने भैया को लेके आ रहा है, यहाँ पार्टी नहीं भाषण होगा। सोचा था कि अगर आप लोग पार्टी में आएंगे तो यहाँ पार्टी से ज्यादा एडवाइसेस होंगी। देखो बेटी, औरतें जो होती है ना, उनका दिल बहुत बड़ा होता है, उसमें ढेर सारा प्यार होता है, बहुत सारी ममता होती है, उसका खुद का अभिमान होता है, माँ बाप के दिए संस्कार होते हैं, ढेर सारी भावनाएं होती है। घर को स्वर्ग बनाने में औरत एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, इसीलिए औरत का दर्जा बहुत बड़ा होता है। हमारे समाज को औरत की भावनाओं को दबाना नहीं चाहिए, समझी ना? चलिए अंकल, अब खाना खाते हैं। यहाँ? चलो तुम्हें एक स्पेशल डिश खिलाता हूँ। इलियो साहब, आपका फेवरेट भजिया। हाँ? भजिया?
ये भजिया नहीं है, बॉडी का इंस्टेंट रिचार्ज है। अंकल आजकल भजिया खाने का ट्रेंड नहीं है। ट्रेंड? तुम लोग तो डिस्को में पिज्जा और बर्गर खाते हो और बाहर निकल कर बनारसी पान। तुम लोग चाहे कितने भी मॉडर्न हो जाओ लेकिन माँ नजर उतार के ही भेजती है। गाड़ी भले ही बिलायती हो लेकिन फिर भी नींबू मिर्ची और नारियल फोड़े बिना तुम गाड़ी का इंजन स्टार्ट करते ही नहीं हो, है कि नहीं? लेकिन अंकल आप तो ये कहीं भी खा सकते हैं, फिर रोड पे ही क्यों? क्या है बेटी, अगर ये सब खाना हम इनके यहाँ से नहीं खाएंगे तो इन बेचारों का घर आखिर कैसे चलेगा? मेक इन इंडिया नहीं, मेक दिस इंडिया। चलो लो। थैंक यू। भाई तुम लोग भी आ जाओ। लीजिए और लो। सबको खिला। अरे तुम लोग खाओ। और तल के अंकल। सारे फादर्स आपकी तरह क्यों नहीं होते? आज देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन अश्वित नारायण वर्मा की बेटी की एंगेजमेंट माइनिंग किंग महेंद्र वर्मा के इकलौते बेटे राजेंद्र वर्मा से होने जा रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ये रहे माइनिंग किंग महेंद्र वर्मा और साथ है उनके बेटे राजेंद्र वर्मा। आज देश के दो सबसे बड़े परिवार एक होने जा रहे हैं। नमस्ते, कंग्रेचुलेशंस। अरे भाई रसम शुरू करो। जी, अश्वित नारायण जी की बेटी को अपनी बहू बनाने से आपका दर्जा और ऊंचा हो गया है। थैंक यू सर। इस अवसर पर आपको बधाइयां। गोस्वामी जी, यस सर। पीएम विदेशी दौरे पर है, नहीं आ पाए, पर उन्होंने शुभकामनाएं भेजी। ये बातें तो होती ही रहेंगी, मेहमानों की खातिरदारी तो कीजिए। What's going on, man? The freestyle official, dude. It's just another fact of life for me, really. Drop of a hat, the drop of a rap, the drop of a beat. You might have listened to and thought was fact. At the watch him chop it up and make you feel the groove. Watch him chop it up and make you feel so rude. Watch him make you break it down. The music will just ooze. The music will just ooze. Excuse me. Excuse me, sir. थैंक यू। चुनाव खत्म होते ही आपका काम हो जाएगा। अंकल जस्ट अ मिनट। ओके पापा। देखा आपने ससुर दामाद में क्या तालमेल है। मेरा बेटा बहुत स्मार्ट। क्या बात है। जस्ट हैव अ लुक अंकल। Just got it. किसने भेजा? मेरे सिक्योरिटी ने, वो उसे जानता है। इसे और किसी ने देखा? नो नो अंकल, जस्ट मी एंड माई सिक्योरिटी। और उसकी आत्मा को शांति।
बाय द वे ये एक्सीडेंट दरअसल मैंने ही करवाया। वो मेरे पास एक वीडियो लेकर आया जिसमें तुम्हें खैर लड़के के साथ दिख रही थी। जरा सोचो अगर ये इंफॉर्मेशन मीडिया में लीक हो जाती तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाती, इसीलिए खत्म कर दिया उसे। अगर तुम्हें किसी से प्यार था तो एंगेजमेंट करने से पहले मुझे बताना चाहिए था। वो ब्रेकअप हो गया था डैडी। ब्रेकअप उसकी ओर से हुआ? ये घर, फैक्ट्री, जमीन जायदाद जो भी मैंने कमाया वो लुट जाए तो दोबारा हासिल कर सकता हूँ, लेकिन इज्जत लुट जाए तो दोबारा हासिल नहीं हो सकती। इज्जत लुटवाने के लिए तुम्हें पैदा किया था। 100 साल पहले मेरे परदादा ने इस खानदान के मान सम्मान और मर्यादा को मेरे दादा को सौंपा, और मेरे दादा ने मेरे पिताजी को, और मेरे पिताजी ने मुझे सौंपा जिसे मैंने अपने खून के कतरे की तरह संभाला। और तूने उस मान प्रतिष्ठा को एक ही झटके में नीलाम कर दिया। क्या करो, क्या करो, क्या करो, क्या करो, क्या करो, क्या करो? ग्रेट डॉटर, मर के मेरी इज्जत बचा ली। वर्मा से कोई जान मांगेगा तो वो दे देगा, लेकिन अगर वो उसकी इज्जत को दाग लगाएगा तो उसकी जान ले लेगा। यार उसने मेरी टेक्स्टबुक मांगी थी, लेकिन मैंने मना कर दिया उसको। हाय गगन। हाय। तुम फ्री हो? कॉफी? चल भाई, लेक्चर शुरू हो गया। चलिए। लोना, एटीट्यूड, ऑल इज वेल। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बेटा कहाँ है? मैं स्वीटी के साथ थोड़ी शॉपिंग करने आया हूँ। अच्छा, जब तू आए तो बाजार से सोडा लेते आना, घर में खत्म हो गया है, पीने में मजा नहीं आएगा। चखना भी लाता। पापा से कुछ नहीं छुपाते? मैं पापा से कभी झूठ नहीं बोलता। कभी नहीं? तुम्हारे घर चले? हेलो पापा, मैं अकेला घर नहीं आ रहा हूँ, स्वीटी भी आ रही है।
अरे बेटी आ जाओ आ जाओ, हमारे गगन को जूते कपड़े दिलाने वाली तुम ही हो ना। गगन आप लोग बातें करो, मैं अभी आता हूँ। अरे हमारा गगन कुछ ज्यादा ही शर्मिला है, तुम आओ मेरे साथ, मैं घर दिखाता हूँ। ये रहा इस घर का बेडरूम। थ्री बेड्स, क्यों? ये तीनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, हाँ? इसलिए एक साथ सोते हैं। ये घर का बार रूम है। तीन बॉटल्स डेली खत्म होती है और दोपहर तक सोते रहते हैं। तो हेल्थ का क्या? ओह उसके बारे में बात नहीं कर सकते, वो लोग गुस्सा हो जाते हैं। आओ मेरे साथ, मैं दूसरा रूम दिखाता हूँ। ये है वॉर रूम। यहाँ पे वो सारे हथियार हैं जिनसे चोर उचक्के और आतंकवादियों का मुकाबला किया जा सकता है। वैसे तो ये आत्मरक्षा के लिए है, पर ये लोगों की मदद के लिए ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। वैसे इन्हें सिर्फ बहाना चाहिए किसी को मारने का। ये है गगन की माँ। जब तक ये जिंदा रही यहाँ सब कुछ ठीक था। इन्होंने इस घर को वाकई स्वर्ग बनाकर रखा था। ये लोग दिल के बहुत अच्छे हैं बेटी। रास्ता भटक गया और इन्हें सिर्फ एक संस्कारी लड़की की जरूरत है। कैसी है बेटा, क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। क्यों बेटा, मामू तुम्हें पका तो नहीं रहे ना? चलो बैठ के बात करते हैं। बैठो। ये क्या है? अरे कुछ नहीं बेटा, रात को सोडा की बोतल खोलते समय ढक्कन यहीं रह गया, सफाई नहीं करते, यूजलेस फेलोस, जाके फेंक दो इसे। जी साहब। बिना सोडे के शराब पीने में मजा ही नहीं आता मुझे, कुछ टेस्ट ही नहीं आता। ये लड़की से शराब की बातें क्यों कर रहे हैं? ये सब बातें छोड़ो, तुमने कुछ लिया? कॉफी, टी, कोल्ड ड्रिंक्स, जूस? आप मुझे पसंद तो करते हैं ना? बहुत ज्यादा बेटा, क्या हुआ? थोड़ी लिबर्टी चाहिए। ले लो ले लो, अरे तुम्हारा ही घर है बेटा। थैंक यू। मामू ये क्या कर रही है? जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। एक बूंद शराब नहीं बचनी चाहिए, सब गटर में बहा दो और ये सारा सामान कबाड़ वाले को दे दो। ये लाइसेंसी गन है मेरी, बहुत काम आती है, बहुत महंगी है, एक तो रहने दो। ठीक है, आप सिर्फ इसे रख सकते हैं। मामा जी ये आपकी जिम्मेदारी है। पूरी जिम्मेदारी। गगन आज से अंकल सिर्फ दो पैक पियेंगे, उससे ज्यादा नहीं, समझ गए? ये तुम देखोगे। सारे सर्वेंट्स किचन में आ जाइए। आज से आप सबका पूरा सिस्टम बदलना चाहिए। सो मेन्यू चेंज, बाहर का खाना बंद, आज से सिर्फ हरी सब्जियाँ, गोभी, कैरेट, बीटरूट, ऐसा ही हेल्दी खाना घर में बनना चाहिए, समझ गए? ये डाइट आपको मेंटेन करनी है। और हाँ मैं रोज आकर चेक करूंगी, ओके? अंकल प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, आप हेल्दी रहेंगे तो सब लोग खुश रहेंगे, इसीलिए ये सब किया। अरे ये चेंज बहुत ही अच्छा है, तुम्हारे आने से बहुत खुशी हुई बेटा, आती जाती रहा करो। ओह डैडी दिल्ली से आए हुए हैं, मेरा वेट कर रहे हैं, मुझे चलना होगा। अरे तुम पहली बार आई हो, कुछ खाकर तो जाओ। मैं कल आके खा लूंगी, अभी मुझे जाना होगा, प्लीज। गगन लेट्स गो, बाय। ऐसी लड़की इस घर की बहू बननी चाहिए। गगन मैं जानती हूँ तुम्हारे घर में मम्मी नहीं है, पर भैया ने शादी क्यों नहीं की? भैया का प्यार सफल नहीं हुआ। उस लड़की की शादी हो गई? नहीं तो? तो अब हो जाएगी। तुमने सोचा तुम शादी की बात करने आओगे और मैं मान जाऊंगा? मेरे जिंदा रहते तो ये शादी नहीं होगी। अंकल प्यार करना गुनाह है क्या? गुनाह की बात मत करो प्लीज, हमें एक चप्पल भी लेनी होती हो तो चार जगह इंक्वायरी करते हैं हम, और अपनी बेटी की बिना इंक्वायरी के शादी कर दूंगा क्या? और इंक्वायरी की बैड रिपोर्ट मिली, फ्लैशबैक लाइव देख लो। क्या बड़ी, यही है ना? हाँ पापा। अच्छा है लड़का, अच्छा है। अगर आपको पसंद आया तो शादी करवा दे। अभी सिर्फ देखा है, करोड़ों का मालिक है, कंपनी को प्रॉफिट दिलाता है, अच्छी बात है, अपने पिता का बिजनेस में हाथ बटाता है, ये तो और भी अच्छी बात है। लेकिन मेरे सूत्रों ने बताया है कि ये एक नंबर का उल्लू कपट्टा नालायक। बेटे को नालायक बोला? बेटा इन्हें इतना मत मारो, उन्हें उस जगह पर फाइल्स है, मत मारो। तुम शांत हो जाओ, इन लोगों को ऐसे गुस्से के दौरे पड़ते रहते हैं। बस कीजिए साहब, बस कीजिए, खुद पे कंट्रोल रखिए। अरे नारायण साहब गुस्सा थूक दीजिए, आप परेशान मत होइए, चलिए मिलके कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। अरे कॉम्प्रोमाइज, मुझे इतना धोने के बाद कॉम्प्रोमाइज? हाँ। तशरीफ को कहीं रखने लायक नहीं छोड़ा।
कॉम्प्रोमाइज चाहते हो तो पहले मुझे सॉरी बोलो। सॉरी बोल दो, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। सॉरी बोल जाएगा, हमसे सॉरी बोल पाएगा? कितनी अरे ये तो फिर से शुरू हो गए। अरे आप फिक्र मत कीजिए, दौरा खत्म होने वाला है। अरे सब एक साथ मारोगे तो वो सहन नहीं कर पाएंगे। एक एक करके थोड़ा थोड़ा मारो ना, ऐसे मारोगे तो वो ऊपर चले जाएंगे। ओहो, ऑल इज वेल। बाप की मार टाइसन जैसी, बेटे ने पीछे दारा सिंह की तरह मार दिया। लुंगी पहनने में भी 5-5 घंटे लग जाते। एक तो इन्हें पायल्स है, ऊपर से उन लोगों ने इन्हें इतना मारा जैसे महिला संगठन वाले लड़की छेड़ने पे मारते हैं। इतना पिटने पर भी ऊपर नहीं गए। बेटी वो लोग इंसान नहीं है, यमदूत है। अगर लड़के का बाप मरता तो भी चलता बेटी, लेकिन होने वाले दामाद ने भी धो डाला। ऐसे घर में तुम ही बताओ मैं कैसे अपनी बेटी की शादी कर दूं? मेरा भरोसा कीजिए, ये लोग बदल गए हैं। ये कोई 1,500 के नोट है बेटी, जो बदल जाएंगे। गगन इधर आओ, हाथ फोल्ड करो, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, स्माइल करो, शेक हैंड करो, सॉरी बोलो, पीछे आ जाओ। देखा कितना बदल गया है, आप भी आजमा लीजिए अंकल। रहने तो बेटा, आजमाने के लिए लुंगी ही काफी है बस। अंकल बगैर औरत के घर ऐसा लगता है जैसे कोई वीरान जंगल हो, और इनके घर में तो कोई औरत ही नहीं है। सोचिए ये लोग कैसे रहते होंगे। आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। आपकी जगह कोई और होता तो अब तक लड़का देखकर शादी भी कर दी होती, पर आपने सिर्फ अपनी बेटी की खुशी के लिए अब तक गगन के भैया का इंतजार किया है। आप सच में ग्रेट हैं अंकल। इतना सब होने के बाद भी ये अपने भाई के प्यार के लिए आपके सामने सिर झुका के खड़ा हुआ है। ये भाई के लिए इसका प्यार है। शादी के लिए हाँ कर दीजिए प्लीज। ठीक है बेटा, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे भरोसे पर अपनी बेटी की शादी करने को तैयार हूँ। थैंक यू स्वीटी। अरे अंकल आपने तो कुछ भी नहीं लिया, कोल्ड ड्रिंक? इधर आओ। आंटी आप लेंगी? नहीं बेटा मुझे नहीं चाहिए, इनकी पायल ठीक होने तक मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊंगी, ऐसी मैंने माता से मन्नत मांगी है। ठीक है। अरड़ा जम के हंसी उड़ा, उसने सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पूछी थी और तुमने पूरी मेडिकल रिपोर्ट दे दी उसे। हाय मिस्टर शिवनारायण। हाय। आपको पाइल्स की बीमारी है? बी केयरफुल, तीखा मत खाना। मेरा पाइल्स ना हुआ, गुड मॉर्निंग का मैसेज हो गया। तुमने व्हाट्सएप के मैसेज की तरह सबको फॉरवर्ड कर दिया। मायके वालों को तो अब तक बताया नहीं। हाय अंकल आपने कुछ क्यों नहीं लिया? जूस जूस ना? अरे जूस पीजिए ना, हेल्दी जूस है। कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे बताइए। ओके अंकल, हैव फन। पता है ये इस घर की होने वाली छोटी बहू है। ये इस घर की होने वाली छोटी बहू है। ये कैसे खड़े हो, हाथ नीचे करो। जोड़ी अच्छी लग रही है। कभी हंस भी लिया करो। स्माइल। अरे गगन देखो अंकल बुला रहे हैं, जाओ 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 ना। हाँ पापा। देखो स्वीटी को देखो। सबकी खुशियों का ख्याल रखती है, इसकी आंखों से कभी आंसू मत बहने देना। वादा करो मुझसे कि तुम इसे खुश रखोगे। एक भी आंसू नहीं बहेगा जिंदगी भर नहीं। अंकल चलिए ना, वहाँ शादी हो रही है। चलो ना, वहाँ शादी हो रही है। शादी शादी नहीं, एक बड़ा त्योहार बन गया तुम्हारी वजह से। शादी संपन्न हो चुकी है, अब हम भी चलते हैं बेटी। अरे कहाँ जा रहे हो आप लोग, आज बहुत खुशी का दिन है। आज एक फैमिली दूसरी फैमिली से मिल गई है, आज तो खुल के पीना चाहिए। अंकल आज कोई लिमिट नहीं है, सारा अरेंजमेंट हो गया है, मिर्ची भजिया है, सोडा है, सब कुछ रखा है। ठीक है ना? ओके तो मैं चलती हूँ। इस समय कहाँ जाओगी, रात के 2 बज रहे बेटा। अंकल पापा घर में वेट कर रहे हैं, ऑलरेडी बहुत सारे फोन आ चुके हैं, अब मुझे जाना ही होगा तो मैं निकलती हूँ। कल आऊंगी ना। गगन मुझे ड्रॉप कर दो ना।
बाय अंकल। स्वीटी इधर आना बेटा। क्या अंकल आप कब से इमोशनल हो गए? मैं कल आऊंगी ना, अब मैं जाऊं? चलें। बाय। मैं बहुत थक गई हूँ। तुम्हारे पास कोई और एक्सप्रेशन नहीं है क्या? चलो। मेरी लाइफ भी इतनी कलरफुल होगी मैंने कभी सोचा नहीं था, और इसकी वजह तुम हो। थैंक यू सो मच। बड़ी गाड़ी है, पार्टी भी बड़ी लग रही है। ए, नीचे कर। कौन है? क्लासमेट है सर। तो फिर कार में ट्यूशन खोल लिया क्या? कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है? एग्जाम लेता हूँ, उठा उसको। क्योंकि ये बहुत थक गई है। ऐसा क्या पढ़ा है? क्या रे, पुलिस वाले को आंखें दिखाता है? तेरे साथ है या रास्ते में कहीं से उठाया है इसको? उठाओ उसको। ए हीरो, आवाज कशाला वाड़ो तो। ए, आपने कौन है के बाद? अच्छे अच्छे रोमियो को रुलाया है मैंने। टिक्की में क्या छुपाया रे? गगन, मैं रुकना चाहती थी पर अब मैं चलूं? गगन, पुलिस वाले का क्या करोगे? क्या सोच रहे हो मेरे राजा? कोई मुझे कुछ बोलेगा तो क्या करोगे उसका? मार डालूंगा। पहले तुम जाओ। ये रहा हमारी नई डील का प्रोजेक्ट, डायमंड हाईवे, इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट। लेंथ 10,000 किलोमीटर्स, कॉस्ट 1,60,000 करोड़। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मुंबई से लेकर कोलकाता तक, ये प्रोजेक्ट पूरे देश को कनेक्ट करेगा। अगर हम इस प्रोजेक्ट को टाइम पर खत्म करते हैं तो सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे एशिया में हमारी कंपनी नंबर वन होगी। डैडी, वी हैव अ सिचुएशन। क्या है? आपने अर्जुन पवार का नाम सुना है डैडी? अर्जुन पवार, द लिकर किंग ऑफ इंडिया। इंडिया में 60% शराब का बिजनेस उसी का है। Come to the point. वो इस प्रोजेक्ट में हमारा कॉम्पिटिटर है। इसमें गलत क्या है? आने दो उसे। उसका आना सही नहीं है डैड। हमें मटेरियल सप्लाई करने वाली सारी कंपनियों को उसने खरीद लिया है, हमारे 4 इंजीनियर्स को भी खरीद लिया है, उनमें से एक ये रहा। हम उसके टारगेट है डैड। पवार हमारी कंपनी के पहले से बैकबोन रहे हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया के डायरेक्टर JP से भी मिला था। ये प्रोजेक्ट हम आपको नहीं दे सकते,
कारण? आपका बैकग्राउंड। और क्या है वो? किलिंग, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, कोर्ट केसेस और लिकर का बिजनेस। शराबियों को हम हाईवे पर नहीं घूमने देते, तो आप शराब बनाने वालों को कैसे आने दे सकते हैं? Yes, you are right, 100% right. लोग मेरा नाम सुनकर डरते हैं। मेरे हाथों में पावर है, पैसा भी बहुत है। जो नहीं है वो है रेस्पेक्ट। बस उसके लिए ही इस फील्ड में आना चाहता हूँ। लेकिन आप तो आना चाहते हैं एक बहुत ही बड़े प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट में, लेकिन आपके उस प्रोजेक्ट में आने से उसकी प्रेस्टीज खत्म हो सकती है। खत्म नहीं होगी वो प्रेस्टीज। आपकी एक बेटी है और मेरा एक भाई है, दोनों की शादी करा देंगे, फिर एक हो जाएगी आपकी और मेरी प्रेस्टीज, और फिर ये प्रोजेक्ट खुद ब खुद मेरे पास पहुंच जाएगा। You are talking too much. सिक्योरिटी क्या होती है मैं दिखाता हूँ। यहाँ कुछ लोग रास्तों पर चलते हैं और कुछ लोग रास्ते बनाते हुए चलते हैं, मेरी तरह। देखो, मैं बस मीटिंग के लिए आया हूँ, तो कितने लोग मारे गए सोचो। अगर दुश्मनी करोगे तो लाशें ही लाशें होंगी। By the way, ये मेरे भाई हैं, ये मुझसे छोटा और ये सबसे छोटा, आपका दामाद। ससुर जी, विश हिम। हाय ससुर जी। ओ, खून। खून से शुरू हर संबंध बहुत मजबूत होता है, कोई नहीं तोड़ सकता। गले मिलो ससुर जी। अपनी होने वाली वाइफ से मिलो, अंडरस्टैंडिंग बनाओ। ओके। जेपी साहब, प्रेस्टीज से ज्यादा जान की कीमत होती है। मेरे लिए जान से ज्यादा प्रेस्टीज की कीमत है। नमस्ते सर। उस पवार का भाई आ कब रहा है? कल आ रहा है, देख लो। अब जाके कर ले शादी। हमारा ये प्रोजेक्ट हाथ में लेते अश्वेत नारायण वर्मा डिस्टर्ब हो गया है। हमने उसके इंजीनियर को डराया था, पर उसने अश्वेत नारायण वर्मा को कंप्लेंट कर दी। हमें अंदाजा भी नहीं था कि वो हमसे ऐसे बदला लेगा। ये उसके लड़के ने किया है। वार्निंग दिया तो वॉर स्टार्ट कर दिया। वायलेंस उसके लिए मजबूरी है, लेकिन मेरा शौक है। बताता हूं, दोनों को बताता हूं। यहां क्यों बुलाया? बैठो। मुझे तुमसे कुछ कहना है। कल जब तुमने मुझे ड्रॉप किया, तब से ही सोच रही हूँ कि तुम्हें कब मिलूंगी, कब ये बताऊंगी। हाँ पापा, मैं क्लास में हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। मामू, क्या हुआ? अपने बेटे को सच में प्यार हो गया है, पता है? स्वीटी के साथ पढ़ाई कर रहा है। बोलो। तुमने अपने पापा से झूठ बोला? बोलो ना। गगन, मेरी लाइफ में सब कुछ है, फिर भी लगता है जैसे कुछ मिसिंग है। मुझे लगता है कि वो मिसिंग तुम हो। तुम आ जाओगे तो मेरी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। Forever and ever and ever. Sweetie. Hi, Daddy. यहाँ क्या कर रही हो बेटा? Daddy, my friend Gagan. Hi, Gagan. How are you? Good, sir.
डैडी वो एक्चुअली ये क्या बेटा, चलो घर चलकर बात करते हैं ना। चलो ओके आ जाओ। Sit. Took coffees with snacks, quick. Feel at home, huh? बेटा आज संडे तो नहीं था, फिर क्लास क्यों नहीं गई तुम? वो आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है डैडी। ओ, एग्जाम के बारे में? लाइफ के बारे में। लाइफ के? हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। बेटा शादी? तुम्हारा नाम गगन है ना? यस सर। बेटा तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। कौन सी इंडस्ट्री? चक्रवर्ती ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं डैडी। अच्छा अच्छा, वो रोड पर बैठकर भजिया खाते हैं, बाजार में गुंडों की तरह घूमते रहते हैं और स्टूडेंट्स को लकड़ी से मारते हैं, सड़क पर शराब पीकर लुढ़क जाते हैं, कहीं वही तो नहीं है? वही है सर। ऐसी हैबिट्स वालों को कहते हैं गुंडे, मवाली, लोफर, शराबी, एटसेट्रा 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 एटसेट्रा। Am I right? Maybe sir. इंसान के सिर्फ अमीर होने से कुछ नहीं होता, संस्कार भी चाहिए। डैडी रुक जाओ बेटा, ये शादी की बात हो रही है, क्या तुम अपने आलिशान कार को किसी झोपड़पट्टी में पार्क करने वाली हो? इसलिए तुम बीच में मत बोलो, मुझे बात करने दो, दो मिनट, I'll come back to you. मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? नहीं सर। तो मैंने जो कहा सच कहा ना? सर पापा ही आपसे बात करेंगे। Shut up, shut up! मुझसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। बेटा मैंने आज तक सिर्फ एक ही सपना देखा है और वो ये है कि जब तू बड़ी होगी तेरी शादी किसी इज्जतदार खानदान में करूंगा, और आज तुमने इस लड़के से मिलवाकर मेरे उस सपने को चकनाचूर कर दिया। बेटी आज मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहने में शर्म आ रही है। डैडी मेरी बात तो सुनिए डैडी, एक बार। चुप करो, नाटक मत करो, डोंट एक्ट स्मार्ट। मैं सब जानता हूँ, आजकल की लड़कियां माँ बाप को कहकर जाती हैं फ्रेंड के घर पढ़ाई करने जा रही हूँ, लेकिन वो फ्रेंड के साथ पढ़ाई करने नहीं बाजार में कुल छर्रे उड़ाने जाती हैं। घर से किसी फंक्शन के लिए निकलती हैं, लेकिन फंक्शन से सीधे घर नहीं, वहां से किसी होटल या फार्म में जाकर अपना मुंह काला करती हैं वो। तू भी उन्हीं लड़कियों जैसी बाजारू हो गई है। पापा को बेइज्जत किया मैं चुप रहा, मेरे भैया को बेइज्जत किया मैं चुप रहा, मेरे परिवार को बेइज्जत किया मैं चुप रहा, पर अब मैं चुप नहीं रह सकता। आपने मेरी स्वीटी को बाजारू कैसे कहा? डैडी, गगन, प्लीज, मैं डैडी से बहुत प्यार करती हूँ, अब हम नहीं मिलेंगे, अगर हम दोबारा मिले मेरी लाश मिलेगी। तुम रोगे तो इसे मार डालूंगा। चलो ठीक है, मानता हूं मैं आपकी बेटी के लिए ठीक नहीं, मैं पूरी तरह से गलत हूं, मान लिया। जाओ, जिससे शादी करानी है कराओ, लेकिन याद रखना अगर मुझे पता चला कि इसकी आंख में आंसू आया तो मार डालूंगा, जो भी स्वीटी को रुलाएगा उसे मार डालूंगा। बनाया है, टेस्ट करके बताओ। ओह!
स्वीटी कहाँ है? वो नहीं आएगी पापा। किसने रोका उसे? उसके पापा ने। बस इतनी सी बात? सिर्फ रोकते तो चलता पापा, उन्होंने उसे बाजार रुका। चल बेटा। अगर आप गए तो स्वीटी कभी नहीं आएगी, उसकी लाश आएगी। वो अपने पापा से बहुत प्यार करती। घर की बहू बन के आए, ऐसा हम सब ने सोचा था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब क्या करें अंकल? गगन को कहीं दूर भेज देते। जिंदगी में पहली बार उसे किसी लड़की से प्यार हुआ है और हम उसकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। वो यहां उसके बिना जिंदा नहीं रह पाएगा। भेज दो उसे, उसे भेज दो। वाइजाग, मेरे जानने वाले हैं वहाँ पे। कौंडिन्य सगोत्रोद्भवस्य वीरेन्द्र वर्म नामधेयस्य पिंड प्रदानं करिष्ये। पिंड प्रदान समये गोदान सहित दशदानानि करिष्ये। जजमान, पूजा संपन्न हुई, अब आप पिंड को समुद्र में विसर्जित कीजिए। तो खुद का टाइम खत्म हो जाता है। लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। पर देखिए कितना बोरिंग है, पर मैं इसे ठीक कर दूंगी। स्पीक टू यू लेटर, बाय बाय। ओह बाय द वे, माय नेम इज मोना, पैदा हुई इंडिया में, रहती हूँ अमेरिका में। तुम यहाँ फर्स्ट टाइम आए हो ना? आई लव विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम दिल वालों और मस्तानों का शहर है। मेरी जैसी सुंदर लड़कियाँ यहाँ भरी पड़ी हैं। जस्ट टेक अ चिल पिल। अबे भैंसे, दिखता नहीं है क्या तुझे?
हॉर्न बजा के कहीं भी घुस जाएगा, कार में से निकाल के घुमा घुमा के मारूंगी। सॉरी बहन जी। बहन जी तेरे पास देखने का सेंस नहीं है, मैं बहन जी दिखती हूँ? खुद तो भैया हलवाई दिख रहा है और मुझे बहन जी बोल रहा है। जल्दी कर यहाँ से, चल घुट। सॉरी सॉरी। करना पड़ता है, यही चलता है। गेरेन प्यार में चोट खाए हो, लो ये पी लो बॉस। एक वक्त था जब लोग सच्चा प्यार करते थे, लेकिन अब सिर्फ धोखेबाजी। लोगों को सिर्फ इस बात में ही इंटरेस्ट है कि किस मॉल में शॉपिंग की या किस पब में पार्टी की, बॉयफ्रेंड कहां कहां ले गया। लेकिन आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बी प्रैक्टिकल बॉस, लोग 6 महीने में एक सेलफोन से बोर हो जाते हैं और उसे चेंज कर देते हैं, तो सोचो एक बॉयफ्रेंड के साथ कैसे रहेंगे। हाँ रुके रुके, राइट से जाइए। मुझे लेफ्ट जाना है। ये रास्ता बंद है, राइट से जाइए प्लीज। ये पुलिस क्यों? कोई पवार नाम का आदमी है, उसके भाई का वर्मा ने हाफ मर्डर कर दिया था, तो वर्मा के बेटे का फुल मर्डर हो गया, तो इसीलिए सिटी हाई अलर्ट पर है। एक ने उसे मारा, दूसरे ने बदला ले लिया। बदला बदला खेल रहे बॉस। गाड़ी पार्क कर दो। जी मैडम। आओ गगन, आओ भी। विशाखापट्टनम का कूल बीच और ये हॉट लड़की तुम्हारे साथ है, इससे बेस्ट कॉम्बिनेशन और क्या हो सकता है। मैं तुम्हारी सुपर होस्ट और तुम मेरे गेस्ट। गेट रेडी टू चिल बॉस। यू आर द अल्टीमेट गुरु। पहले मैं प्यार से बड़ा दूर दूर रहती थी, पर तुमसे मिलने के बाद करीब आने का मन करता है। तुमने दिल चुरा लिया। ये बताओ, तुम्हारा प्यार छीनने वाले को तुमने छोड़ क्यों दिया? चलो मिलकर उससे बदला लेते हैं।
उन्होंने मेरे बेटे को मार दिया, अब ये मेरी बहू को ले जाने आया। हमें बचा लो। तेरे बेटे को मारकर तेरी बहू का मंगलसूत्र छीनकर उसे विधवा बनाया तेरे घर में रखने के लिए। इसे ले जाकर अपने घर में रखूंगा ताकि तेरे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। हटा। बेटे को मारकर तेरी बहू का मंगलसूत्र छीनकर उसे विधवा बनाया तेरे घर में रखने के लिए। इसकी आंखों में कभी तुम आंसू मत आने देना। वादा करो मुझसे कि तुम इसे खुश रखोगे। पापा को देखो, जल्दी जल्दी क्विक। पहले उस लड़के को बचाओ। गो। हालत बहुत नाजुक है। एक्चुअली ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग बैक। हो सकता है कि वो बच भी ना पाए, पर फिर भी वो जिंदा रहना चाहता है। कोई तो वजह है, आप उसके लिए दुआ कीजिए। कल सुबह तक मैं आप पर अटैक करने वाले को आपके सामने खड़ा कर दूंगा। इस शहर में तुम्हारा स्टाफ कितना है? 5,000। इस शहर में मेरा स्टाफ 50,000 है। आई एम बिगर देन यू एंड बेटर देन यू। आई नो व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू।
थे और वो डिस्ट्रक्शन में चला गया। वो मरने वाला था, लेकिन उसे बचा किसने लिया? बेटा, तू भगवान का रूप है, अपनी जान पर खेलकर तूने हमारी जान बचाई बेटा, थैंक यू वेरी मच। पर ये अटैक क्यों किया था? मेरी बहू के लिए। बहू के लिए? बिजनेस करते करते हम लोगों ने अर्जुन पवार से दुश्मनी मोल ले ली। अपाइज कर दिया पापा। प्रॉब्लम सॉल्व। थैंक यू सर। जबी साहब, हमारी रिलेशनशिप 40 साल की है। आप परफेक्शन के लिए जान देंगे, हम इज्जत के लिए जान देंगे। हम दोनों की सोच काफी मिलती है। लेट्स टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। आपकी बेटी अगर हमारे घर की बहू बने तो हमारी इज्जत बढ़ेगी और इस प्रोजेक्ट की भागीदारी और मजबूत हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम। थैंक यू। बहुत अच्छे, आग बढ़ने दो। जो लड़की भाई के पास रहने वाली थी वो उनके घर में रहेगी, तो इसमें खुशी की बात क्या है? अभी तो हम एक आईएएस की बेटी को उठा के लाएंगे, ज्यादा मजा नहीं आएगा। लेकिन एक बार शादी हो गई फिर वो बन जाएगी अश्वित नारायण वर्मा की बहू। उसे उठा के लाऊंगा तो लोग पवार का लोहा मानेंगे। ओ, बेइज्जत होके वो सड़कों पर पागल कुत्ते की तरह घूमेगा। मंडप में ही उसने मेरे बेटे को मार डाला, हमारे परिवार की सारी खुशियां छीन ली। उस दिन जब तुमने हम लोगों को बचाया तब वो मेरी बहू को उठाने आया था। मेरे पति के मान और मर्यादा की लड़ाई में हमारी बहू के साथ बहुत अन्याय हुआ है बेटा। बिन माँ की बेटी है वो सर, उसकी जिंदगी ऐसी हो जाएगी मैंने सोचा भी नहीं था। तो फिर आप क्या चाहते हैं? अपनी बेटी को घर ले जाना चाहता हूं। ले जाकर पवार को सौंप देंगे अपनी बेटी को? उठा के ले जाएगा वो। अब वो आपकी बेटी नहीं है, इस घर की मर्यादा है, यही रहेगी हमेशा के लिए जब तक वो जिंदा है। चाहो तो एक बार अपनी बेटी से मिल लो। जब किसी लड़की के साथ अन्याय होता है तो वो अपने पिता को बताती है, लेकिन यहां तो अन्याय करने वाला मैं ही हूं और इस शर्मिंदगी को संभालने की ताकत अब मुझमें नहीं है बेटा। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो बेटा। Thank you.
बेटी मर चुके हैं गगन, उसे भूल जाओ प्लीज, यहां से चले जाओ। अगर ऊपर वाला हमें आंसू देता है तो उसे पूछने की वजह भी देता है। खुल के रो लो। अगर गंगा जल से पवित्र कुछ है इस दुनिया में तो वो आंसू है, इसलिए रो, खुल के रो। अब तुम्हारी आंखों से मैं एक आंसू नहीं निकलने दूंगा। स्वीटी, चाहे इस जिंदगी में तुम्हारा कोई साथ दे या ना दे, पर मैं दूंगा। आई लव यू फॉर एवर एंड एवर एंड एवर, मरते दम तक, दम तक। कार्य शुभ मुहूर्त में करना होगा, अगर किसी और मुहूर्त में काम किया तो अनिष्ट होने की संभावना है। घर में लड़की के आने से घोर अनर्थ हुआ है, आगे भी होगा। उपाय है, भगा दो इस मनहूस को, भगा दो। हम सब कल मंदिर जाएंगे उसे लेकर। अगर हम गए तो पवार हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो भगवान से बड़ा है क्या? जाएंगे। ये कौन है? इसी ने हमें बचाया था। ये भी हमारे साथ जाएगा, वक्त पर तैयार हो जाना। तुम्हारा नाम? गगन सर। आप तबीयत कैसी? ठीक है सर। किसी अच्छे से हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा लो। इफ यू रिक्वायर एनीथिंग मेरे पीए का नंबर पे कॉल कर लेना, अरेंजमेंट हो जाएगी। शॉफर, जहां एक आए इन्हें ले जाओ। थैंक्स फॉर सेविंग मी। फोन पवार, लड़की को बाहर ले जा रहे हैं। तुझे वो चाहिए थी ना, उठवा लेना। डील तो याद है ना? आगे से तू मेरी फैमिली को तंग नहीं करेगा। ठीक है मैम। बार में डिस्काउंट होता है, वॉर में कोई डिस्काउंट नहीं होना चाहिए। डोंट मिस अगेन, सबको खत्म कर दो। नमो नमः।
नमः कृष्ण वेणि नमो नमः जय प्रभात रंगनेच्छरी नमः जय प्रभात रंगनेच्छरी नमः जगत्प्रसिद्धवाहिनी स्वरप्रभावरागिनी महांद्रराजधानी तीरमंगलप्रदायिनी अमरेश्वर विजयेश्वर कोटितीर्थवर्धिनी भ्रमरांबाजो गुलांबा दुर्गा मां मोदिनी वेदाचल नारसिंह तनु शीतलकारिणी श्रीकाकुल आंध्र विष्णु पाद कमलवासिनी शिव केशव रूपिणी जलश्री नारायणी हम सद्वीप स्थल सागर संगम झरिणी नमो नमः कृष्ण वेणि नमो नमः ुर्वाकनिवबंधना मृत्योर्मुक्तियमामृता जजमान मृत्युंजय यज्ञ संपन्न हुआ इस यज्ञ से शत्रु का भय मृत्यु का भय अरिष्ट का भय आतंक का भय इस यज्ञ की आहुति में सभी दोषों का निवारण हो चुका है अब आप जाकर कावेरी नदी में स्नान करें आपके स्नान करते ही ये पूजा संपन्न हो जाएगी आओ बेटा नहीं है लक्ष्मी है अगर ये पनौती ही होती तो आपका भाई जिंदा नहीं बचता आपके घर में कोई भी जिंदा नहीं बच पाता
आप भगवान पत्थर में देखती हैं, जबकि वो इंसानियत में होता है। अफसोस। पापा चलिए, आप चलिए। क्या हुआ? वो देखिए, पवार का भाई आ रहा है। जिंदगी भर अकेला नहीं छोड़ूंगा। आज के बाद अगर किसी ने इसे दुख दिया या इसकी आंखों से एक भी आंसू निकला तो मैं उसे काट के रख दूंगा। तुम लोगों को क्या लगता है, इसे कोई ऐसे ही उठाकर ले जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे होते हुए इसे कोई छू भी नहीं। तक ये दिल धड़केगा चल।
रक्षक रक्षक मैं हूँ रे, मैं हूँ तेरे साथ साथ, मैं हूँ तेरे हर मुश्किल में, मैं हूँ रे, मैं हूँ तेरा हमदम तो हूँ रे। मेरे भाई चाबाज है, वो मेरे घर की इज्जत को लूटने नहीं देंगे। लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए, हाथ पे हाथ तरे खड़े रहे। और तुम वर्मा खानदान की औलादों, तू है तुम्हारी जिंदगी पर। कुछ नहीं कर पाए तो हमारी आंखों के सामने हमारे बेटे का कत्ल कर दिया उस अर्जुन पवार ने। हमारी बहू उस लड़के के साथ भाग गई और हम कुछ नहीं कर पाए। हमारी इज्जत पर हाथ डालने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। I swear on my pride. अट्रैक्शन लगता था, पर असली प्यार क्या होता है ये मुझे गगन ने बताया। सुना तो था कि लोग प्यार में जान दे देते हैं, पर आज गगन ने कर दिखाया। स्वीटी, तुम्हें गगन से ज्यादा प्यार कोई और नहीं करेगा। तुम वाकई लकी हो स्वीटी कि तुम्हें गगन मिला है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मुझे भी कोई गगन जैसा ही मिले। तुम्हारा प्यार महान है। अब ये सब बातें छोड़ो और अंदर चलो। आज से तुम इस घर की बेटी हो। अरे क्या सोच रही है बेटा, चलो केक काटो। मुंह खोलो।
पापा कल टेंडर की फाइनल डेट है, हमें किसी भी तरह यह मौका हाथ से नहीं गंवाना है। हमारा टारगेट टेंडर नहीं पवार है पापा, आपकी इज्जत को हम दोनों भाई जीते जी कभी भी मिट्टी में मिलते हुए नहीं देख सकते पापा। अब कुछ करने का वक्त है, घर पर बैठने का नहीं, वरना आपका खौफ लोगों में से खत्म हो जाएगा। आप ही कहते हैं ना, जो डरेगा वो मरेगा। पास वर्मा के लोग खड़े हैं, आप आए तो उठा लेंगे क्या? तुम्हारी जानकारी से उसका प्लान स्टार्ट हुए कितना टाइम हो गया? आधा घंटा हो गया सर। मेरा प्लान स्टार्ट हुए 6 दिन हो गए। कोई आए जाए तो वो सिक्योरिटी पोस्ट पार करना पड़ेगा, है ना? वहां देखो, अब एक बार रिसेप्शन में देखो, एक बार ऊपर देखो, अब समझ गए तुम बाहर ही रहो। रखता हूं। ओके सर। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर। बहुत मोटे हो गए हो गोस्वामी जी। हाँ सर। यहाँ बहुत गर्मी है, एसी वाले रूम में चलते हैं। बिल्कुल सर। तुम तो जानते हो तुम्हारे भाई को किसने मारा? उसने। तुमने कहा था जिसने उसे मारा है उसे नहीं छोड़ूंगा, क्या किया? तुम्हारे घर की इज्जत समान तुम्हारी बहू को तुम्हारे सामने उठाकर कौन ले गया? चक्रवर्ती का बेटा। और तुमने क्या किया? उसे जिंदा नहीं छोड़ने की कसम खाकर तुम भी बैठ गए। उसे मारा क्या? तुम्हारी ताकत और तुम्हारी इज्जत दोनों के साथ उसने खिलवाड़ किया, और तुम दोनों हो कि आपस के झगड़े में उलझे पड़े हो। खत्म करो ये आपसी झगड़ा। मार दो उसे, मामला फिनिश। अपने दुश्मन को मारने के लिए कभी टेंडर नहीं निकलता। मेरी बात मानो तो दोनों मिलकर उस लड़के को खत्म कर दो और उस लड़की को उठा लाओ। काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, बहुत पुराना दोहा है। गोस्वामी जी। हाँ सर। मैंने पेट्रोल छिड़का या पानी के छींटे? पेट्रोल छिड़का है सर। पेट्रोल छिड़का ना? हाँ सर। मैंने अपने बेटे से वादा किया था कि सही वक्त आने पर उस लड़के को उसकी नानी याद करवाऊंगा, और अब वो वक्त आ गया है। गोस्वामी जी हमें मीटिंग में जाना है, चलिए।
कॉफी। अरे सुनो, जब तक ये माने नहीं, इसे छोड़ दा मत। छोड़ूंगा नहीं पापा। क्या बात है बेटा, चाय में शक्कर ही नहीं डाली तुमने। शुगर आपके लिए ठीक नहीं है। सर आइए ना, वहां क्यों खड़े? आप ही का घर है, गहरों की तरह क्यों खड़े हैं? जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है? चलता रहता है सब कुछ ना, उससे जिंदगी रुक थोड़ी ही जाती है। मैं अपनी बेटी के प्यार को समझ ही नहीं पाया, आपके बेटे को भी नहीं समझ पाया। वो तो महान है, और आपके परिवार की अच्छाइयां भी नहीं देख पाया। जब मेरी बेटी को तकलीफ हुई तो उसको बचाने के लिए आपका पूरा परिवार एक साथ उठ खड़ा हुआ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। आपको शोभा नहीं देता, वो सिर्फ आपकी नहीं हमारी भी बेटी है। मानसी माँ बनने वाली है। ए, सुखी रहो बेटा। देखा आपने, आपकी बेटी के आने से कितनी खुशी आ गई। अब तो खुश हो जाइए ना। मामू, सारे एम्प्लॉयज को डबल बोनस दे दो, घर में खुशियाँ आई हैं, ताकि वो खुशियाँ और डबल हो जाए। एक पार्टी रखो और सबको आने का न्योता दो। हाँ बेटी, आज बहुत खुशी का दिन है, आज चेहरे पर उदासी नहीं, खुशी होनी चाहिए। नाचो गाओ, मेरा मतलब पार्टी, एंजॉय। आओ बेटा। नहीं नहीं, मुझे नहीं आना। आओ भी पीना। प्लीज। गगन, पता चला पापा को गोली लगी है, वो कहाँ है? ऑपरेशन चालू है सर। ऑपरेशन? ये हॉस्पिटल मेरा है और ऑपरेशन मैं ही करता हूँ, आखिर उनका ऑपरेशन कौन कर रहा है? भैया सांस लेते रहना।
वालों में यही कहा था ना, अब देख तो खुद मुर्दा घर में खड़ा है। अभी तो मैंने शुरू किया है, खत्म नहीं किया। तेरी आंखों से आंसू नहीं, सिर्फ खून निकलेगा। चल निकल। गगन वो लोग स्वीटी को अपने साथ ले गए। तुमसे कहा था कि तुम्हारी बेटी हमारी बहू बनेगी तो हमारी इज्जत बढ़ जाएगी, लेकिन तूने तो हमारी थाली में जूठन परोस दिया और उस गंदगी को उठाने के लिए तूने उस लड़के को भेजा। मेरी इज्जत, मेरी मान मर्यादा को सरेआम नीलाम करने के लिए तूने हमारे खानदान की प्रतिष्ठा को दाग लगाने के लिए उसे इस्तेमाल किया। बेटी ने मरकर मेरी इज्जत बचा ली, लेकिन तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। क्या करूं तेरा? आप भले ही मुझे और डैडी को मार दीजिए, बस गगन और उसके परिवार को कुछ मत कीजिए प्लीज। मेरी इज्जत नीलाम करने वाले को मैं बख्श दूं? भैया, हे कोई उसकी वजह से आज आप जिंदा हैं। ये उसका प्यार है। बवार! जब तक वो मेरे घर की बहू थी मुझे उससे कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन जिस दिन उसने उस लड़के का हाथ थामा हमारे लिए वो बाजारू हो गई। उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हट मेरे रास्ते से। प्लीज मेरी बेटी को मत मारिए, छोड़ दीजिए उसे। रुक जाओ भैया, अनर्थ हो जाएगा। स्वीटी की आंखों से आंसू नहीं निकलने चाहिए। तुम लोगों ने रुलाया उसको, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। प्यार झूठा है। लाइफ में अगर प्रॉब्लम आए तो लोग लाइफ नहीं छोड़ते, लोग प्यार को ही छोड़ देते हैं, पर मैं उनमें से नहीं हूँ। प्यार किया है तो पूरी तरह निभाऊंगा। जैसा प्यार मैंने अपनी माँ से किया, अपने पापा से किया और अपने भाई से किया, वैसा ही प्यार मैं इससे भी करूंगा।
मैंने कसम खाई है कि मैं इसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे मारना पड़े, काटना पड़े या कुछ भी करना पड़े। कोई हाथ तो लगाकर दिखा इसे। आज तुमने इसे रुलाया, आज सब मरेंगे एक एक करके। आ जाओ। तूने कहा था मेरे पूरे खानदान को मारेगा, हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखा। जब जब इस दुनिया में तुझ जैसे राक्षस पैदा होते रहेंगे, तब तब उसे खत्म करने के लिए मुझ जैसे लोग पैदा होंगे। अगर मैं अपने प्यार के लिए जान दे सकता हूँ तो जान ले भी सकता हूँ, और आज मैं तेरी जान लूंगा। इज्जत जान लेती है और मोहब्बत जान देती है, तो बड़ा क्या है। तुम अपनी शान और शौकत, आलीशान जिंदगी, अपने गर्व और इज्जत को जिंदगी समझते हो। जानते हो मेरी जिंदगी क्या है? मेरे परिवार का प्यार, तो बड़ा कौन हुआ। तुमने सिर्फ इस लड़की को मारने के लिए अपने बेटे के हत्यारे से हाथ मिला लिया। कहाँ गई तुम्हारी इज्जत? अब किस बात का घमंड है? जा, छोड़ दिया। तुमसे मिलने जाओ, मिलो उनसे जाकर, सब तुम्हारे अपने। बेटा, शादी के कार्ड पर तुम्हारा नाम स्वीटी लिखना है या कुछ और? कुछ और सोचा है तो बता दो। स्वीटी। अरे वाह, क्या नाम है स्वीटी, बहुत स्वीट नेम है। सत्यानाश करके हमें जेल भेजने वाला ये, अब इसे मारने के लिए ही हमें जिंदा रहना है। ये कहीं भी हो मारना है, कहीं भी हो। ओए, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, तुम 10 लोग हो, मेरा दामाद अकेला है। फिर भी उसे हराना तुम्हारे बस की बात नहीं है। कोई भी कितना भी दांव क्यों ना लगा ले, इस कबड्डी में मेरा दामाद सीनो ही जीतेगा, और प्राइज मनी 50,000 हमें ही मिलेंगे। ये जिसके लिए इतना समा बांध रहा है, उस दामाद को देखने से पहले उसकी फॉलोइंग देखते हैं। स्वामी, जब मैं 10वीं में 10 बार फेल हुआ था, उस समय भी मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज हमारे सीनो को कबड्डी में जिता दो स्वामी। एक हफ्ते तक चिकन मटन बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी और ना ही किसी से झगड़ा करूंगी, बस आज हमारी सीनू को जिता दो, प्राइज उसी को मिलना चाहिए। हाँ,
भगवान जगन्नाथ, राजनैतिक दृष्टि से भले ही देख लो मगर सीनू ही जीते। अगर वो जीतेगा तो टकला करवाऊंगा। मैं नहीं, अपनी बीवी का। ये सारे लोग सीनू के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हालांकि इन्हें सीनू से कोई लगाव नहीं है। लगाव है तो सिर्फ अपनी उधारी से। आज हमारे सारे कर्जे उतर जाने चाहिए, जाओ जीत करो। ओके ससुर जी। कबड्डी 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 अमाउंट से हमारे पैसों के साथ 500 ज्यादा देना। अरे किस लिए दे? 100 नारियल फोड़े थे ना, तो हम क्या करें? अरे दे देते हैं ना। लॉजिक के हिसाब से तुम कैसे जीते हो बताओ? मैंने अपनी बीवी के मुंडन की मन्नत मांगी थी इसीलिए। मतलब जोड़ी एक जैसी लगेगी। बादामी यूथ एसोसिएशन द्वारा किए गए कबड्डी प्रतियोगिता में जीते सीनू को इज्जत से लेता हूँ। सीनू जी को प्राइज मनी लेने के लिए मंच पे बुलाना चाहूंगा। कहाँ गायब हो गया? गायब हो गया? कहाँ गया? सीनू तो कहाँ है? कौन है यार? मुझे यहाँ किसने बांधा? हमने। हमारे पैसे वापस मिलेंगे तभी हम तुम्हें खोलेंगे। ओए, मुझे बांधा है ये ससुर जी को पता चला ना तो तूफान आ जाएगा। गुड मॉर्निंग दामाद जी। क्या बात है, शीला बेबी के पास गए थे ना? हाँ ससुर जी, वो बेचारी परेशानी में है ना, उसका दुखड़ा सुनने गया था। हाँ वैसे भी आजकल सर्दी बहुत है, तो रात में ये मीटिंग कैसी? मंकी कैप पहनी थी तुमने? अरे हाँ, सोने से पहले दाल चावल खाया था कि नहीं? बस बहुत हो गया, लाड साहब की तरह तुम लोग हमारे पैसों से शीला और शिल्पा की जवानी एंजॉय करोगे और हम तुम्हारे लिए यहाँ पूजा हवन कर रहे हैं।
मैं 10वीं में 10 बार फेल हुआ था तब भी इतना फेल नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक। तो अब मैं क्या करूं सुरेश जी, लेले भाई कहकर मेरी जेब में पैसे रखने वाला शाहरुख जैसा बड़ा भाई तो है नहीं, और भाई कहकर रोकने वाली मेरी कोई फिल्मी बहन भी तो नहीं है, और मौज मस्ती करने के लिए मेरे कोई फिल्मी दोस्त भी तो नहीं है। अब मुझे जीने के लिए शिल्पा बेबी और शीला बेबी के अलावा और दूसरा कोई चारा बचा है क्या? लॉजिकली सीनू ने जो कहा वो भी सही है, इतने दिनों तक आपने इसे अलग तरह से देखा, लेकिन ये भी तो हम में से ही एक है। टकले मार डालूंगा, मेरे दामाद के बारे में कुछ नहीं बोलना, जो बोलना है मुझे बोल। खूब अच्छी तरह पाला है इसे। ये आपने कैसी बात कर दी सुरेश जी, मैंने उसे नहीं पाला है, इसने मुझे पाला है, लेकिन हाँ मैं ही इसके पीछे जाता हूँ, वो मेरे पीछे कभी नहीं आता, ठीक है ना रमेश मैंने? हाँ बिल्कुल सही है। चुप कर, ए तू हमारे पैसे कब देगा? पहले मेरी रस्सी खोल लो, शाम को दे दूंगा। लॉजिकली ये बात सोचे तो अभी जो पैसे नहीं और शाम तक कैसे आएंगे? तुम्हें पैसे चाहिए या लॉजिक चाहिए? पैसे। तो फिर खोलो ना। अरे रमेश जी, ये हमें दोबारा उल्लू तो नहीं बना रहा? शाम तक का ही टाइम मांगा है ना, नहीं दिए तो दोबारा बांध देंगे, लॉजिक सही है ना? अब चुप हो जाओ। रस्सी खोल दो। खोलो यार। रमेश जी एक काम करना, शाम को आप सभी को लेके आ जाना, मैं वहाँ सभी को दे दूंगा। ससुर जी चलो। अरे दामाद जी सुनो तो सही, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, शाम तक तुम पैसे कहाँ से दोगे? रमेश जी हाँ? शाम हो गई, मेरा दिल घबरा रहा है, वो पक्का आएगा ना? अब लॉजिकली अबे मुंह बंद कर, लॉजिक मैजिक करके उसे खुलवा दिया, अब अगर वो नहीं आया तो? नहीं आया तो तुम जाओगे। क्या हुआ रमेश सुरेश, सब साथ में बैठे हो, कोई मीटिंग है? मीटिंग नहीं है, बैटिंग है, वो सीनू आज हम सबको पैसे देने वाला है ना, इसीलिए यहाँ बैठे हैं। क्या बात हुई, मैंने तो उन दोनों को अभी रेलवे स्टेशन पर देखा है, सभी का कर्जा चुका दिया, इसीलिए मुंडन कराने तिरुपति जा रहे थे, मेरी भी जाने की बड़ी इच्छा थी, इसीलिए 2000 उनके हाथ में देकर भेज दिया। मुंडन अपना कराने नहीं गए, तुम्हारा करके गए। अरे सीनू ये क्या क्या तुमने? अरे उन उधारियों के गांव को छोड़ दिया ससुर जी। मुझे तुम्हारी ये बात पसंद नहीं आई। क्यों? अरे पैसा नहीं था तो हम उनसे रिक्वेस्ट कर लेते, इस तरह गांव छोड़ने की क्या जरूरत है? देखो धोखा देना गलत है दामाद जी। इसमें गलत क्या है, हमने उन्हें ब्याज के नाम पर असल से ज्यादा ही दे दिया होगा, चाहो तो जोड़ लो, फिल्म इंडस्ट्री में भी इतना नहीं होता। अरे ऐसा था तो लेना ही नहीं था ना। ठीक है ना ससुर जी, अब हम भागे थोड़े ही जा रहे हैं, अभी हम चेन्नई जा रहे हैं, चेन्नई से दुबई जाएंगे, वहाँ किसी शेख से कम ब्याज पर पैसे ले लेंगे, तो इस गाँव का कर्जा क्या दूसरे गाँव का भी चुका देंगे? सच में दे दोगे ना दामाद जी? इसलिए तो जा रहे हैं ना ससुर जी, वहाँ भाई लोग, ऊँट, शेख, गाड़ियाँ, अपनी तो लाइफ ही बदल जाएगी। तू मुझे भी तो धोखा नहीं दे रहा? आपकी कसम ससुर जी, मैं सभी का पैसा चुका दूंगा। तो ठीक है, तुमने बहुत ज्यादा पी ली है, अब सो जाओ। अरे सो जाओ। और इस तरह चेन्नई जाने वाली गाड़ी गुंटकलू जंक्शन से रॉन्ग टर्न लेकर इनकी जिंदगी को भी टर्न कर गई। चेन्नई जाकर दुबई बाबू से मिलने की दिल इच्छा में हैदराबाद की ट्रेन में सो रहे हैं। आओ बेटा आराम से। अरे दामाद जी हाँ। चाहे कुछ भी हो, हम इंडियंस में सेंटीमेंट बहुत है। हाँ ससुर जी, तमिलनाडु में तो और भी होता है। अरे हाँ, हाँ हमें तो तमिल आती नहीं है, तो मैनेज कैसे करोगे? भाषा आया ना है, बॉडी लैंग्वेज से काम चला लेने का। ग्रेट है मेरा दामाद। अरे भाई ऑटो। नमस्ते। अरे कहीं जाना हो तो बात करो, नमस्ते नमस्ते क्या है? ओए सीनू, ये भी हिंदी बोल रहा है। हाँ ससुर जी। अच्छा भाई पांडी बाजार चलोगे क्या? पांडी बाजार? हाँ यार तुम तो ऐसे शॉक्ड हो रहे हो जैसे हम हैदराबाद में आकर पांडी बाजार बोल रहे हैं। बिल्कुल चलूंगा। मतलब आप चेन्नई के पांडी बाजार ही जाना चाहते हो ना? कैसी बात कर रहे हो बेटा, चेन्नई आकर पांडी बाजार के बारे में ही पूछेंगे ना? पांडी बाजार में कहाँ जाना है सर? एड्रेस तो नहीं पता, हमारे पास उनका मोबाइल नंबर है, वहाँ पहुँचेंगे तो बात करके पूछ लेंगे। क्यों नहीं पूछेंगे तो मेरे लिए आसान होगा, पास जाकर पूछेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी, पास में ही है, जल्दी आ जा कहेंगे तो भाग करेगा, ऑटो के पैसे भी तो बचेंगे। क्यों सर जी बहुत चालाक है, मैं तुम लोगों से भी चालाक हूं। आइए ना सर। यहाँ सब जगह तेलुगु में लिखा हुआ है, ये चेन्नई ही है ना? ये चेन्नई है सर। आप लोग वो सब क्यों देख रहे हैं? वो क्या है, यहाँ पे तेलुगु लोग कुछ ज्यादा ही रहते हैं ना, इसीलिए ऐसा है। वो देखो चेन्नई शॉपिंग मॉल। हाँ चेन्नई शॉपिंग मॉल, ससुर जी ये चेन्नई ही है। चेन्नई शॉपिंग मॉल तेलुगु में क्यों लिखा है? वो बताया था ना तेलुगु लोग कुछ ज्यादा ही है। हाँ करेक्ट है, एक समय हमारी राजधानी भी यही थी ना, चेन्नई मद्रास। ससुर जी इंद्र का रथ रोड पर उतर आया है, देखो कितनी बढ़िया कार है ना, ये चेन्नई है ना। हाँ। यहाँ कार और उसके मालिक बहुत बड़े लोग होते हैं, आज के टाइम में भी ऐसे लोग हैं, कमाल की बात है। ससुर जी रथ में से परी उतरी है, देखो चेन्नई है ना जी। हाँ। यहाँ की लेडीज ऐसे ही होती हैं। मेरी फोटो क्यों ली? मैंने तुम्हारी फोटो नहीं ली, जेब्रा लाइन क्रॉस की, इसीलिए नंबर प्लेट की फोटो ली। नहीं तुमने मेरी फोटो ली थी, मैंने देखा था, मुझे पता है हम जैसी लड़कियों की फोटो लेकर लोगों में बांटते फिरते हो।
ए, मैडम को क्यों परेशान कर रहे हो? इसने मेरी फोटो खींची, ऊपर से झूठ बोल रहा है। कैमरा दे सर। मैडम आप जाइए। क्या हुआ सर, मेरा फोन क्यों तोड़ दिए? तुझे पता है वो कौन है? भाई की बेटी है। ये है बीबी नगर। बीबी नगर क्यों? मतलब पांडी बाजार। नंबर दीजिए, फोन कर लेता हूँ। देता हूँ। ये लो, जीरो। यहाँ जीरो की जरूरत नहीं है, चेन्नई है ना, नंबर बताइए। हाँ, पहले 9840262361। एड्रेस पूछिए। लगता है उनकी बीवी बात कर रही है, तमिल में बोल रही है। अब 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 अरे साहब तुम बात करो ना। ऐसा है, ठीक है मैं देख लूंगा। उनके पति शहर में नहीं है, घर पे अकेली हैं, बोला है कि ठीक लगे तो आ सकते हैं। अरे ची 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 ची, अच्छा नहीं लगेगा। ए कहीं और रुक सकते हैं? कहीं और क्यों, मेरे यहाँ एक दो दिन रुक जाओ। अरे तुम हमारे लिए क्यों परेशान होगे? कोई अच्छा सा सस्ता सा लॉज हो तो बता दो ना। आप जैसे लोगों के लिए एक अद्भुत लॉज है। क्यों बे, नायडू को नायर बोलता है? पता है भाई, तेलुगु वालों के लिए नायडू, तमिल वालों के लिए नायर। फर्स्ट टाइम चेन्नई आए भाई, हमारे मेहमान है। बैग के साथ हमारी होटल में रहेंगे आप। दिल्ली से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से आए हो क्या? चेन्नई आए हो? आओ भाई आओ, अंदर आओ। बॉयज तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? ये दिल्ली वाले हैं, ये दिल्ली से आए हैं, चेन्नई घूमने आए हैं। ओ अच्छा, दिल्ली से आए हैं, चेन्नई आए हैं। हाँ तुम बैग ले लो। नहीं नहीं, मैं लेकर चलूंगा, हम नहीं मानेंगे। इस क्षण से आप और आपका बैग हमारा है। कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जरा रुको भाई। क्या हुआ बेटा? देखो ही नहीं, ये कितने अच्छे लोग हैं, हम दिल्ली वालों से बहुत प्यारे हैं। यार तो ठीक है, पहले पेमेंट बताओ, बाकी बकबक नहीं चाहिए। हमारे होटल में तेलुगु वाले इडली खाएंगे तो रूम फ्री, सो इडली का पेमेंट और रूम कॉम्प्लीमेंट। अरे ये तो एकदम अजीब बात है, इडली के साथ सांभर फ्री देते हैं, ये तो रूम ही फ्री दे रहे हैं। सभी को नहीं देते, सिर्फ दिल्ली वालों को देते हैं। चेन्नई आए हो ना? आइए आप लोग नीचे इडली खाइए, ऊपर ये लोग आपका रूम रेडी करेंगे। हाँ खूब खाओ, सांभर डालो क्या? अरे बाप रे, 10 साल पुराना है। तूने ये मार लिया कि ओरिजिनल है? मां के सब हाथ भी नहीं लगाया था। मुझे तुझ पर भरोसा ही नहीं है। स्टेशन पर तो मुझे लक्ष्मी जी साक्षात दिखी थी, 5 पैसे का सिक्का। इसे बांटेंगे कैसे? कान के नीचे बजाऊंगा, फेंक उसे। सांभर कितना मस्त है ना? अरे चेन्नई है ना, यहाँ का सांभर मशहूर है। भाई तू इडली जमकर खा रहा है। अरे खाओ खाओ। भाई मैले कपड़े, फटा हुआ अंडरवियर और 5 पैसे का सिक्का, इसके अलावा बैग में कुछ भी नहीं है। तुम्हारा खिलाया इडली और सांभर सब घाटे में क्या भाई? ऐसे टाइम पर टेंशन मत लो, ये लोग अपनी सारी जायदाद अंडरवियर में लेकर घूमने वालों में से लग रहे हैं। उड़ाऊंगा, टाइम मिलते ही उड़ा लूंगा, लेकिन तब तक मैं हार नहीं मानूंगा रे। ओके भाई। सब सफा चट कर गए ना, मैं समझ गया। आप लोग नीचे जाकर रूम में रेस्ट करो, लंच रेडी होते ही मैं बता दूंगा। बाजी बात, थैंक्स। हाँ, थैंक्स, देखा कितना प्यार करते हैं। चलो चलते हैं, जाओ जाओ आराम करो। ससुर जी के लिए डबल स्ट्रांग कॉफी भिजवाना। आप लोग जाओ। अरे वाह, यहाँ के लोग तो बहुत ही अच्छे हैं। एक झटके में खा गए। बहुत खा लिया यार। अरे बेटा पानी नहीं है, मैं पानी लेकर आता हूँ, तुम सो जाओ। हाँ ठीक है। माँ तुम्हारी कसम माँ, एक दिन यहाँ रुकना पड़ेगा मुझे, कल शाम तक चेन्नई आ जाऊंगा मैं प्रॉमिस करता हूँ माँ, बाय। सुनो बेटा, एक बात बोलूँ, बुरा मत मानना, माँ की कसम खाकर झूठ नहीं बोलते। अब मैंने ऐसा कौन सा झूठ बोल दिया? हाँ अरे तुम चेन्नई में ही हो और माँ को बोल रहे थे कि मैं चेन्नई आ जाऊंगा। व्हाट, ये चेन्नई कहाँ है? ये तो हैदराबाद है। हैदराबाद, वो देखो चार मीनार। दामाद जी। अरे भाई पांडी बाजार चलोगे? पांडी बाजार मतलब एक और बकरा, बिल्कुल चलूंगा। हम तो तोड़े फोड़े फोड़े हम मतलब तो... पता चल गया भाई? मुझे तो पता चल गया, लेकिन तू लापता हो जाएगा। ऐसे कितने लोगों को धोखा दिया है तूने? बताता हूँ मैं। रुक, अबे रुक बे। भागता का है? गाड़ी है। चलो भाई। हाँ भाई आगे। भाई भाई
नमस्ते भाई, मैं किशन ज्वेलर्स का पार्टनर हूँ। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जो बात करनी है डिंपल से करो। सर यहाँ डिंपल जी कौन है? वो गाड़ी से आ रही है। सर डिंपल मैडम से मिलना है। डिंपल मैडम? हाँ सर, अंदर बैठी है क्या? नहीं, डिक्की में है, जाकर मिलो। डिक्की में? और नहीं तो क्या, डिंपल सिर्फ मैडम का ही नाम हो सकता है? डिंपल मेरा नाम है। आप है? और नहीं तो क्या पिंपल, ये कार्टून जैसे क्यों खड़ा है? नाम और मेरा चेहरा मैच नहीं हो रहा है क्या? हाँ मैच हो रहा है सर। हाँ चलो मुद्दे पर आ जाओ। मैं किशन ज्वेलर्स का पार्टनर हूँ सर। मैंने बिजनेस में अपने बड़े भाई के साथ 8 करोड़ रुपए लगाए हैं। 50-50 कहा था, अब मुनाफा बांटते समय 50 नहीं 20% कर रहा है। भाई से फोन करवा दीजिए, काम बन जाएगा। गिफ्ट के तौर पर 10 लाए हूँ सर। 10? हाँ सर। तुम्हारा सूटकेस तो बड़ा छोटा सा है, कहीं लाख तो नहीं? हाँ है सर। एक दूंगा ना, लाखों वाली डील कभी भाई करते हैं क्या? करोड़ से एक भी कम हुआ तो एक्सेप्ट नहीं करते। बड़ा आया 10 लाख देने, चल निकल। 10 लाख लाया हूँ। बात करता है। ये भाई कौन है बे? चाय पीकर भूलने जैसी बात के लिए भाई का नाम क्यों ले रहे हैं यार? अभी तो कुछ मिला तो है नहीं, इसकी इडली गई, मेरा पेट्रोल गया, आप क्या क्या भाई, भूल जाइए ना भाई। मैंने जो पहले पूछा है उसका जवाब दो, सबको उनसे इतना डरने की जरूरत क्या है? भाई का नाम ही डर है। इस शहर में लीगल धंधों को अगर कोई लीगली सेटलमेंट करता है तो वो भाई ही करते हैं। वैसे तुम इतनी इंक्वायरी क्यों कर रहे हो? क्यों का जवाब तुम्हें 1 घंटे में मिलेगा। मुझे 10,000 दो, शॉपिंग करनी है। अब ये नया घाटा क्यों? चुपचाप पैसे दे चल। जरा रूम के अंदर जाके देखो। तुम ये टॉर्चर क्यों कर रहे हो? हम उल्लू नहीं है, लल्लू है। हाँ यार, अब तुम होटल खाली करके चले जाओ। चुपचाप अंदर जाके देख। हाँ जा रहा हूँ ना। आप कौन है? अरे भाई क्या हो गया? अरे लगता है मिनिस्टर समझ कर घबरा गए। ये तो बहुत गलत बात है। 4-5 पहले कपड़े रखे थे, जैसे हमने तुम्हारी जायदाद लूटी हो, तुम अपने भाई को लेकर आ गए। वो कोई भाई नहीं है, मेरा ससुर है। ससुर है? हाँ। यानी ये दोनों जुड़वा भाई है क्या? नहीं, दुनिया में मेरे अलावा मेरे ससुर जी का कोई भी नहीं है। आज से ससुर जी का इस्तेमाल करके हम पूरे शहर को उल्लू बनाएंगे। भाई करोड़ों से नीचे डील नहीं करते, करोड़ों के नीचे लाखों होते हैं, लाखों के नीचे हजारों होते हैं। वो सारी डील्स हम लोग करेंगे। रिस्क है भाई, लाइफ में बड़ा बनना है तो रिस्क लेना होगा। हम जो धंधा करेंगे वो ना भाई को और ना ही मेरे ससुर जी को पता चलना चाहिए। तुम्हारे ससुर जी को पता कैसे नहीं चलेगा भाई, वैसे भी वो कितना सवाल करते हैं। पासपोर्ट या वीजा का काम है कहकर मैं ससुर जी को संभाल लूंगा, मैं उनके साथ हमेशा करता आया। तो फिर हमें क्या करना होगा? पहले अपने भिखारियों जैसी हालत बदल कर अर्जेंट एक कॉस्टली कार अरेंज करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। किशन ज्वेलर्स? यस। अरे दामाद जी, हाँ। ये सब क्या है, ये पागलों जैसा भेष क्यों? अरे करना होगा, बड़े लोगों जैसे नहीं लोगोगे तो ना पासपोर्ट मिलेगा ना वीजा। पासपोर्ट वीजा का काम तो वो चेन्नई के बाबू का है। वही काम तो अब ये लोग करेंगे, अब इन्हें भी सुधरने का एक मौका देते हैं ना। हाँ सर, आपकी हेल्प करने के लिए एक मौका दीजिए ना। ठीक है, इज्जत से जियो यार। हाँ। धोखा वोखा मत दिया करो, ये सब करना अच्छा नहीं है। हाँ जी सर, आप चलिए। चलो ये सब क्या है दामाद जी? होटल है ससुर जी, खाने के लिए इतना बड़ा होटल। नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग सर। अरे क्या बात है, सभी लोग कितनी इज्जत दे रहे हैं। ये दुनिया ऐसी है ससुर जी, कैरेक्टर से ज्यादा कैश किक वैल्यू देती है, इसीलिए तो सभी को ऐसा भेस लेना पड़ा। खैर जाने दो, अब वैसे आज तो हमारा काम हो जाएगा ना? हो जाएगा ससुर जी, जो आने वाले हैं ना वो पासपोर्ट ऑफिसर के जीजा के बिजनेस पार्टनर्स हैं। वो उनसे कहेंगे और वो पासपोर्ट ऑफिसर से कहेंगे तो हमारा काम हो ही जाएगा। कुछ भी हो काम हो जाएगा ना? हो जाएगा ससुर जी। तुम बस कॉफी पीते बैठो, मैं उनसे बात करके आता हूँ। ससुर जी को डबल स्ट्रॉन्ग कॉफी बोलना। हाँ बोल दे। डबल स्ट्रॉन्ग कॉफी। अबे 5-स्टार होटल है बे। अच्छा डबल स्ट्रॉन्ग कॉफी। मैंने ही आपको फोन किया। नमस्ते सर, ये मेरे बड़े भाई किशनलाल। क्या बात है, लोगों को बुलाकर डराना चाहते हो? नहीं, सेटलमेंट कर लेंगे अच्छा रहेगा। अपने भाई का हिस्सा उन्हें दे दोगे तो दोनों शांति से रह सकते हो। देखो भाई के करेक्शंस मैं भी कर सकता हूँ, वैसे भी भाई इस तरह के मैटर्स में हाथ नहीं डालते, मुझे डराने की कोशिश मत करो। लगता है आपने भाई को अब तक गलत ही समझाया, इस मैटर में भाई ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, वो देखिए। सर ये मेरा इकलौता भाई है, इसे मैं धोखा दे सकता हूँ क्या? अगर पैसे दूंगा तो कहीं बर्बाद ना कर दे। कुछ बर्बाद नहीं करेगा, उसे उसका दे दो। अरे छगन तुझे कितना चाहिए सब ले ले, तू मेरा छोटा भाई है रे। मुझे मेरे हिस्से का ही दे दीजिए भैया, आप जाइए मैं शाम को मिलता हूँ। ठीक है मैं चलता हूँ बेटा, भाई से कह देना सब ठीक हो गया। ओके ओके अब जाइए। शुक्रिया। 25 लाख। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आप खुश हम भी खुश भाई भी खुश, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।
बाप रे बाप, दादी को हार्ट अटैक आया था, बहन को कैंसर है और माँ को। अबे ओए, ऐसे देखते ही बीमारियां दूर चली जानी चाहिए। ओए, ये लोग हमसे भी बड़े कमीने हैं। ये मैं जितना देंगे हम ले लेंगे, है ना भाई? हाँ भाई, मुझे देगा तो मैं तुम लोग को दूंगा। हैदराबाद का पैसा हाथों में जम गया है ना, चिपक जाए। रोहित, नाम तो मॉडर्न ही है ना? नाम मॉडर्न है तो क्या शादी कर लो उसे? पागल, बिना सोचे समझे पापा ने मेरी शादी उसके साथ तय कर दी। कहीं से उसका फोन नंबर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। मोबाइल नंबर ही क्यों, डायरेक्ट ही दिखा देती हूँ ना। कैसे? ऐसे। अरे वाह, एकदम हीरो लग रहे हो। तुम्हारे पापा इतने प्यार से बात कर रहे हैं तो वही रोहित होगा। सुनो, उसे दमाजी बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक नहीं है। रुकिए ससुर जी, आपके लिए एक अच्छी ड्रेस लेके आता हूँ। क्या बात है, मुझे चोरी से देखकर ही पसंद कर लिया। आपको कैसे पता चल गया? बताया किसी ने। तो तुम क्या मुझसे शादी कर लोगे? मतलब ऐसे अचानक? और तुम्हें क्या लगता है, मैं भी शादी कर लूंगी? मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है क्या? ठीक ही कहा है, लेकिन तुम्हें कटरीना कैफ पता है? सुपर आइटम है। हाँ? लेकिन आपसे अच्छी नहीं है। कटरीना कैफ तुम्हें जानती है? अरे वो मुझे कैसे जानेगी? यही इम्पोर्टेंट है, यही पॉइंट है। तुम मुझे पसंद करो ये काफी नहीं है, मेरा भी तुम्हें लाइक करना इम्पोर्टेंट है। करेक्ट कहा आपने। इस एंजेलिना को अगर लाइक करना है तो हाइट होना सिर्फ काफी नहीं है, और भी क्वालिटीज होनी चाहिए। वैसे भाई को पटा लेना शायद आसान होगा, पर भाई की बेटी को नहीं। हा? भाई की बेटी, ये कैसा ट्विस्ट है? वैसे नाम क्या बताया? जी नाम, हाँ रोहित। हाँ। मेरे पापा तुम्हें बहुत पसंद करने लगे हैं, अभी देखा मैंने। मेरे पापा तुम्हें इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि तुम मल्टी मिलियनेयर हो, लेकिन मुझे तुम्हें पसंद करना है तो तुम्हें कुछ टेस्ट पास करने होंगे। टेस्ट? हाँ, अगर उनमें तुम फेल हो गए तो तुम्हें ही मेरे पापा के पास जाकर कुछ भी बताकर इस शादी को कैंसिल करवाना होगा। अगर नहीं किया तो सुहाग रात की रात को ही जहर देकर मार डालूंगी। गॉट इट? मेरा नंबर है, कॉल करूंगी तो फर्स्ट रिंग में ही उठा लेना। उठा लूंगा। दो मिनट में मेरे सामने आ जाना। आ जाऊंगा। मैंने ससुर जी को भाई बनाया, भगवान भाई को ही मेरा ससुर बनाना चाहता है। अंजलि जी, आप पीछे से देखने पर भी बहुत सुंदर लगती है। क्या बात है, हैदराबाद मुझे सब कुछ दे रहा है। माफ करो भानु जी, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, छोड़ दो प्लीज। भानु, ग्रह अब हमारे अनुरूप आ चुके हैं, शुरू करो। भानु, एक और मारो। क्यों? एक बुध के लिए, दूसरा गुरु के लिए और तीसरा शनि के लिए, सबको समान देना चाहिए ना? ठीक है बाबा। सर, हैदराबाद से भाई का फोन है। हेलो भाई। हाँ दोस्त। ठीक टाइम पे फोन किया, बाबा ने बताया कि अभी भी मेरी शुक्र की महादशा शुरू हुई है। इतना ही नहीं, अपने रोहित और अंजलि की शादी शारजा में करेंगे भाई, बहुत अच्छा होगा ये भी बताया है। शारजा में? क्या दोस्त, सब लोग यहाँ पर हैं, यही धूमधाम से कर सकते हैं। आप तो वैसे भी नहीं मानते, मेरी मान्यताओं को तो इज्जत दो। शुक्र की दृष्टि इंडिया से ज्यादा शारजा में बलपूर्वक है, ग्रह को भी खुश रखना है ना, इसीलिए मेरी बात मान लो। रिसेप्शन इंडिया में कितना भी ग्रैंड क्यों ना कर लो, लेकिन शादी सिर्फ शारजा में ही होगी, जय भोलेनाथ। अच्छा डिंपल, शादी शारजा में होगी, हमें वहाँ जाना होगा। सर सर सर, शादी कहाँ होगी ये जरूरी नहीं है सर, किससे होगी वो जरूरी है। भानु का लड़का कितना बुरा इंसान है ये तो आप जानते हैं, अफवाह है कि किसी फॉरेनर का रेप करके उसे मार डाला है उसने। ऐसे बुरे इंसान से आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं? अंजलि मेरी बेटी नहीं है, भैया की बेटी है। सर ज्यादा गहराई में मत जाओ, डूब जाओगे। अबे नीच, खुद के बेटे को लंदन में पढ़ाई करवा रहा है और भाई की बेटी को बलि चढ़ा रहा है, तो स्मैश हो जाएगा बे, स्मैश हो जाएगा तू। ये किसका घर है भाई? भाई का घर है। तुम क्या पागल हो गए हो, सीधे भाई के घर पर लेकर आ गए हमें। हमारे पास भाई है लेकिन कस्टमर्स नहीं है, कस्टमर्स पकड़ने हैं तो यहीं आना होगा। यहाँ कस्टमर कैसे पकड़ेंगे? वो मैं सेट कर लूंगा। अगर भाई अंदर हुए तो समझ लेना। भाई नहीं है, ये जानकारी तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, हमारा काम सिर्फ डिंपल से है। डिंपल, ये कौन है? मुझसे नहीं होगा, ये 10-15 लाख का सेटलमेंट मैं नहीं करता, तुम लोग जाओ। सर कौन भाई? घंटे का भाई, जो मैं कहूंगा वही होगा, जाओ। भाई है भाई। नेक्स्ट। डिंपल जी, डिंपल जी, क्या ये ऐसे भारी हार मैं नहीं पहनता, भाई अभी बाहर गए हैं, जब आए तो उन्हें पहना देना। हम आपके लिए लाए हैं सर, हम आपके फैंस हैं। हाँ सर, फैंस हैं, फैंस हैं, डिंपल जी, डिंपल जी, मेरे फैंस हो तुम लोग। अरे छोड़ो ना मुझे, क्या कर रहे हो?
मेरे फैंस, मगर किस लिए? क्यों सर, सलमान के फैंस नहीं होते? अरबाज के नहीं है क्या? शाहरुख के नहीं है क्या? कमाल खान के नहीं है क्या? श्रीराम के भक्त होते हैं, हनुमान के नहीं होते? हाँ होते तो है, लेकिन आज अगर भाई इतना बड़ा आदमी बना है तो वो आपके दिमाग से ही ना। जो हुआ वो लोग भले ना समझे, लेकिन हम जानते हैं सर। जाने दो ना, चलो तुमने पहचाना तो। इसलिए सर हम आपके फैंस हो गए, आपके ब्रेन के फॉलोअर बन गए। आपके ब्रेन की तरह अपना ब्रेन चलाकर छोटे छोटे काम करते हैं। मुनाफे में जैसे तिरुपति को हिस्सा देते हैं, वैसे हम आपको देंगे। पहले वेंचर में हमें 10 लाख मिले हैं, ये लीजिए आपका 10%। तुम्हारा नाम क्या है? दामाद सर। दामाद मतलब दामाद सीनू सर। दामाद सीनू, ये कैसा नाम है? क्यों सर, अम्मा राजशेखर, बहन मायावती नाम है तो दामाद सीनू नहीं हो सकता? हाँ हो सकता है, हो सकता है, लेकिन चाहने वाले मुझे दामाद कहकर पुकारते हैं। ओहो, दामाद कहकर? हाँ। मैं भी तुम्हें दामाद ही कहूंगा। I love you. सुनो, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट। हाँ बोलिए। फ्यूचर में मुझे पॉलिटिक्स में जाना है। सारे फैंस मेरे बर्थडे पर ब्लड डोनेशन और अन्नदान करते हैं। हाँ करेंगे ना सर, बिल्कुल करेंगे। हमने तो उसके लिए सब कुछ प्लान कर कर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ए वेंचर खूब अच्छी तरह से करते रहना और कमीशन भूलना मत। जी सर बिल्कुल देंगे। ओके थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। वेरी गुड वेरी गुड। माला उतार। कौन है तू? माला क्यों उतारेगा? चल निकल। कस्टमर्स मिलेंगे कहा था, तुम तो उसे माला पहना कर आ गए। अब हमें एक बुलावा आएगा देखना। दामाद जी, मैं डिंपल को डील करता हूँ, तुम सब कस्टमर्स को कार्ड बांट दो। आपने बुलाया मुझे? फोन भूल गए थे बेटा। जानबूझ कर भूल गया था। क्या मतलब आप अपने ग्लैमर पर ध्यान नहीं दे रहे हो सर? बहुत हेयर ऑयल इस्तेमाल किए लेकिन ये टकला भरता ही नहीं है। चेहरा भी तो। क्या करूं मैं इसकी टेंशन, ये भाई कोई कम टेंशन थोड़ी देता है। क्या ग्लैमर होता था मेरा। कोई बात नहीं सर, मार्केट में नई क्रीम आई है वो मैं भेजता हूँ। हाँ भेज देना, और सबसे खास बात ये ढीलापन कम करने के लिए कुछ भेजना। इन्हें थोड़ा टाइट करना होगा सर। टाइट करने के लिए, लूज करने के लिए कोई कपड़े थोड़ी है। ठीक है सर, वो मैं देख लूंगा ना। चलता हूँ सर। सारे कस्टमर्स कहाँ चले गए? बंद करके शादी कर लेती। शट अप। टेस्ट ड्राइव के बिना मैं कार नहीं एक्सेप्ट करती तो होने वाले पति को कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ? हाय अंजलि जी। हाय गर्ल्स। हाय। सॉरी यार, ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा था। ट्रैफिक्स? ग्राफिक्स सुना है, ये ट्रैफिक्स क्या है? साहब जी, आप इंग्लिश में जोक मार रहे हैं, इन्हें समझ में नहीं आएगा। आपका मतलब टू मच ट्रैफिक है ना? यस यस यस, ट्रैफिक। वैसे आपको थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। ओहो, उसके साथ साथ थोड़ा टाइम सेंस भी होना चाहिए। करेक्ट। वैसे ये तुम्हारा ड्राइवर है ना, ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है? ये सिर्फ ड्राइवर नहीं है, मेरा चाइल्डिश फ्रेंड है। चाइल्डिश फ्रेंड? फिर से इंग्लिश जोक ना? हाँ वही वही, चाइल्डहुड फ्रेंड्स है, मतलब बचपन से एक ही डिश में खाकर बड़े हुए हैं, इसीलिए चाइल्डिश चाइल्डिश। वाह, व्हाट अ सेंस ऑफ ह्यूमर। बैड जोक। आओ, तुम्हें पानी पूरी खानी है। पानी पूरी मतलब? पानी पूरी क्या होता है तुम्हें नहीं पता है? पानी पता है, पूरी पता है, लेकिन दोनों मिलाकर क्या होता है पता नहीं। कैसे पता चलेगा साहब जी, आप तो फॉरेन में पले हुए हैं ना। यस यस। वैसे टेस्ट के लिए बुला कर ये खाना पीना क्या रखा है? हमारा टेस्ट मिलना भी एक टेस्ट है। मुझे इस तरह की सिंपल चीजें बहुत पसंद है। खाओगे या नहीं ये बताओ। खा लेते हैं। ये है पूरी। पूरी तो बड़ी होती है ना, तो ये छोटी क्यों है? लो बजट में बनाइए क्या? पानी पूरी में ऐसी पूरी बनती है। हाउ नाइस ना यार, हाउ क्यूट इट इज। इट इज सो फनी साहब जी। सुनो, ये तुम्हें खाना है। बस ये तो सिंपल है। वेट, तुम्हें 5 चांसेस दे रही हूँ। पानी पूरी से एक भी बूंद नीचे नहीं गिराए बिना खाना होगा, कम से कम एक खाना होगा। स्टार्ट। ठीक है। इतने पोल्यूशन में आप पानी पूरी खाएंगे? इट इज नेसेसिटी। पोल्यूशन से ज्यादा मेरी शादी का सॉल्यूशन जरूरी है। आई वर्शिप यू साहब जी। बहुत मुश्किल है यार। क्या एक्टिंग करते हो बेटा? बहुत सेंसिटिव है अंजलि जी। फंसी गई बेचारी। साहब जी, शायद चांसेस खत्म हो रहे हैं। हो गया शुरू। अंजलि जी, पास हो गया ना, शादी कंफर्म है ना? ये क्या, एक ही टेस्ट के बाद शादी कर लूंगी क्या? तो क्या पानी पूरी युद्ध करना होगा? नहीं, कम। What is this green balls? ये balls नहीं है साहब जी, तरबूज है, मतलब watermelons. Watermelons? Watermelons तो लाल होते हैं ना यार। बाहर से हरे होते हैं मगर अंदर से लाल होते हैं। अच्छा, wow,
इट्स रेड इनसाइड गिरी, व्हाट अ वंडर यार। बेचारा सर। बेचारा, तरबूज क्या होता है इसे ये भी नहीं पता। तो अब मुझे क्या करना है अंजलि जी? बस एक पीस खाना होगा, 3 chances, लाल रंग दिखना नहीं चाहिए और ना ही टुकड़ा नीचे गिरना चाहिए, स्टार्ट। बहुत मुश्किल है अंजलि जी, नीचे गिर जाएगा शायद। मेरे सारे टेस्ट ऐसे ही होते हैं। गिरी, मैंने तो खा लिया, इट्स लाइक अ हाफ मून यार। इट्स ब्यूटीफुल साहब जी। गुड, तुम इसमें भी पास हो गए। थैंक्स। नेक्स्ट टेस्ट। उफ। ऑटो। हेलो। शिट, आई कांट बिलीव दिस। व्हाट हैपेंड साहब जी? इसके तो तीन ही व्हील्स है यार, फोर्थ व्हील कहाँ है? वो क्या है, ऑटो 3 व्हील्स के होते हैं साहब जी। तो फिर बैलेंस कैसे होता है यार? मतलब आपने कभी ऑटो नहीं देखा है क्या? ऑटोमेटिक कार के अलावा इन्हें ऑटो के बारे में कुछ नहीं पता। इट्स पुअर पीपल व्हीकल। अच्छा, स्कूटर को टेंट बांध दिया ऐसा लग रहा है। चुप करो, तुम्हें मेरा ऑटो अजीब लग रहा है, मुझे तुम्हारी बातें अजीब लग रही है। अब चलते हैं, चलो। okay. साहब जी आप, ए तू यहीं रुक, तुम आगे बैठो। वाओ, व्हाट अ ब्रीज, हवा आने के लिए डोर्स निकाल दिए है क्या? सामने देख। ऑटो तुमने देखा नहीं था, तो फिर स्टार्ट कैसे किया? वो पैरों पर अटक रहा था तो उठाकर बाहर फेंकने के लिए खींचा, अपने आप स्टार्ट हो गया। माय गॉड, ऐसे स्टार्ट करते हैं क्या? इतनी बड़ी की? मतलब तुम्हें ऑटो के बारे में सचमुच नहीं पता? तुम गाड़ी चलाओ। अरे वाह, सेफली ले आया, कितना हुआ? 100 रुपया। सीट का 10 रुपया लगता है ना? तुम शेयर ऑटो वाले हो क्या? पता लगा लिया तुमने? नहीं, कंफर्म किया मैंने, डाउट था। भाई, ये चालाकी मुझ पर लगाने की बजाय अपने काम पर लगाई होती तो आज बेंस कार में घूम रहे होते, बेचारे ऑटो पे ही अटक गए। पेमेंट कर दो। ऐसे ही तुम लोग पैसे वाली लड़कियों को फांसते हो ना? उसके बारे में नहीं जानता, पता चलेगा तो फट जाएगी तेरी। बात करता है। माय गॉड, इतने सारे लोग यहाँ कैसे, और ऐसे झगड़ा क्यों कर रहे हैं? झगड़ा नहीं कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। खरीदने के लिए झगड़ा करना होता है क्या? दिस इज अ बाजार, तुम्हें जाकर उस कोने के सलीम बैंगल शॉप से 4 dozen बैंगल लानी है। बस इतना ही? नहीं, यहाँ वापस आने तक एक भी चूड़ी टूटी तो तुम फेल समझो। बैंगल्स मांगे यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ये बैंक किस लिए? ये क्या है यार, हम लोग खुद इस भीड़ में नहीं जा सकते, इम्पॉसिबल है ना यार। इस अंजलि को भी इम्प्रेस करना इम्पॉसिबल है। स्टार्ट। साहब जी, कहीं फिसल मत जाना साहब जी। नहीं फिसलूंगा, इन्हें सेटिस्फाई करने के लिए मैं कुछ भी सैक्रिफाइस कर सकता हूँ। साहब जी, हटो 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 भाई, हटो बेंच, हटो 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 हटो, अरे साइड को यार, साइड को, हटो हटो हटो। इसकी तो ऐसे भाग रहा हो जैसे ब्लैक टिकट लेनी हो। ए बुलबुल, रात को घर आ जा, बिरयानी खाकर कुकड़ कु करेंगे। थू, बेशरम। ए भाई, दुकान के सामने क्या गड़बड़ कर रहा है भाई? तेरे को क्या है भाई, चटक। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो ना कह दो, क्यों बेचारे को ऐसे परेशान कर रही है? माय गुडनेस, वहां तो देखो। अब तो शादी के लिए हाँ बोलना ही पड़ेगा। ये हर बार जीत कर मेरे ईगो को ठेस पहुंचा रहा है। ए, तुमने मेरी कमर क्यों देखी? नहीं देखी। नहीं तुमने देखी? अरे कहाँ नहीं देखी? नहीं तुमने देखा, और वो मैंने भी देखा। कह दिया ना नहीं देखी, समझ में नहीं आती बात। क्या हुआ भाई, क्या बात है? इसने मेरी कमर देखी। अरे देवा रे देवा, कैसी जिद है तुम्हारी, मैंने कहा ना मैंने नहीं देखी। आहा, खुशी फिल्म में भी पवन कल्याण ने तुम्हारी तरह देखकर कहा था कि नहीं देखा। अंजलि जी, वो हीरो है और ये विलन है ना, नहीं देखा कह रहे हैं ना, अब झगड़ा क्यों कर रही हो? चलिए हम चलते हैं। मतलब तुम इसकी बात मानोगे या मेरी बात मानोगे? तब से चुप बैठा हूँ क्योंकि पैसे वाली लड़कियों से क्या मुंह लगना, लेकिन तूने मुझे अब भड़का दिया है, ये क्या कर लेगा मेरा? नहीं भाई, इन्होंने तो मजाक किया था। मैं भी तो मजाक कर लेता हूँ ना भाई। नहीं भाई, अब तक तो मैंने भी टच नहीं किया। ऐसा क्या, तब तो मेरा हाथ भी बहुत शुभ है भाई, ओपनिंग कर देता हूँ। प्लीज भाई, झगड़ा मत करो। अब देखना तुम लोग, एक भी बैंगल नहीं बचेगी। Oh!
जी, आपको चोट तो नहीं लगी ना? मुझे नहीं, उन्हें लगी है। वो तो होना ही था, क्योंकि शौक तो दूसरों को देता रहता है ना। चेक कर लीजिए, एक भी नहीं टूटी होगी। तो अब टेस्ट में मैं पास तो हो गया ना? सेमीफाइनल तक तो आ गए हो। फाइनल्स हो जाने के बाद फाइनल करूंगी। मेरे फोन का वेट करना। भाई, टेस्ट मैच तो मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन एक मैच के लिए इतने टेस्ट? एक बार हमने जो फैसला कर लिया तो फिर कितने भी टेस्ट होने दो। रेडी है अपन? ये क्या भाई, मैं इसे मार डालूंगा। अभी नहीं, उसे मारना जितना जरूरी है, हमारा जिंदा रहना भी उतना ही जरूरी है। आज ये बच सकता है, लेकिन कल नहीं बचेगा। भाई दुखी मत हो, अगर कोई उसे मारेगा तो हम ही मारेंगे। बम बम भोले नाथ, हर हर महादेव। डैड, आपने बुलाया? और रोहित, भोले बाबा ने मुहूर्त निकाला है, तुम्हें कल इंडिया जाकर अंजलि को लेकर आना है, उसकी फैमिली भी तुम्हारे साथ ही आएगी। ओके डैड। हाय गर्ल्स। हाय अंजलि जी। क्या हुआ अंजलि जी, बड़ी दुखी दुखी सी लग रही हो? इसलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। क्या मतलब? अंजलि की बचपन से ही कैथरीना और संजना नाम की दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। इन तीनों ने साथ में कोई भी ओकेजन हो कभी मिस नहीं करेंगे, ऐसा फैसला किया था। लेकिन आज आफ्टरनून में केरला में कैथरीन की शादी है और इवनिंग जोधपुर में संजना की डिलीवरी, और बीच में ये परेशान हो रही हैं। बस इतना ही? बस इतना ही का क्या मतलब हुआ? एक इंडिया के उस कोने में है तो दूसरा इस कोने में। कोने कोने का हिसाब करने लग गए तो शुरू में ही हार जाएंगे। लेकिन कैसे, दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, इसलिए सॉरी कहकर घर में बैठने को कहा डैडी ने। वो सब आप मत सोचिए, आपको मैं लेकर जाऊंगा। ओके रियली? लेकिन कैसे? चार्टर्ड फ्लाइट। हाँ सर, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, अर्जेंट जाना होगा। मैं समझ गया, तुम करोड़ों में खेलकर मुझे लाखों की भीख दे रहे हो, ऐसा ही है ना? नहीं सर, इसमें आपको भी बड़ा अमाउंट मिलेगा। वो कैसे? मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, वो लड़की भी मुझसे प्यार करे, इसलिए मुझे फ्लाइट चाहिए सर। मैंने फ्लाइट के बारे में नहीं पूछा, शेयर के बारे में पूछा। लड़की बहुत पैसे वाली है सर। है कौन वो? भाई की ही बेटी समझ लो। भाई की ही बेटी मतलब? मतलब उतनी पैसे वाली सर। जायदाद मेरे हाथों में आते ही 10% तो आपका है ना। तुम्हारे जैसे फास्ट फैन को मैंने अपने पास्ट में नहीं देखा। थैंक यू सर। रघुराज नाम है उनका, उनके पास पर्सनल फ्लाइट है, हमारे ही क्लाइंट है। ओके। हेलो राजू जी, मैं डिंपल बोल रहा हूँ। एक चार्टर्ड फ्लाइट चाहिए अर्जेंटली, हमारे भाई के पर्सनल आदमी है। पर्सनल मतलब? दामाद। क्या कहा, दामाद? हाँ मतलब दामाद ही है। ठीक है, अरेंज करता हूँ। थैंक यू सर, तुम्हारा काम हो गया। थैंक यू सर। थैंक यू सर कहकर कहाँ भाग रहे हो? फ्लाइट पेमेंट 3 लाख मुझे देने पड़ेंगे। एक घंटे में भिजवाता हूँ, लड़की वहाँ वेट कर रही है सर। लड़की को मत छोड़ना। हा? नहीं छोड़ूंगा सर, इसे खूब निचोड़ना है, निचोड़ूंगा। नमस्ते सर, वेलकम। थैंक्स। अंदर सारे अरेंजमेंट हो गए हैं सर। राइट राइट। इंग्लिश भी बोलने लगा ये तो। वाह, थैंक यू सो मच। इतनी जल्दी? अभी तो बहुत है। गिफ्ट। गिफ्ट क्यों? शादी पर यही कपड़े पहनकर जाना। बहुत सरप्राइजेस दे रहे हो, थैंक यू। Daniel and Catherine, will you honor each other as man and wife for the rest of your lives? I will. Daniel, do you accept Catherine as your wife? Yes, I do. Catherine, do you accept Daniel as your husband?
कैथरीन, कैथरीन। मत कहो, इन्हें कहो, इनकी वजह से आई हूँ। आपकी शादी है बताया, तो मैं क्या गिफ्ट दूँ ये सोच रहा था, तो आपकी फ्रेंड को ही गिफ्ट मिले आया। This is the best gift of my life, you know? Happy married life. Thank you. शादी में गई थी क्या? हाँ गई थी। गई थी? हाँ। वहाँ से यहाँ कैसे? वो वहाँ भी लेकर गए थे और यहाँ भी लेकर आए। थैंक यू। कांग्रेट्स। आपने मुझे बहुत प्यारा गिफ्ट दिया है, पता है कौन है ये? मेरे वुड बी। तुमने मुझे पैसे कब दिए? हाँ सर, आपको ही तो दिए थे। चाहिए तो सीसी कैमरे का फुटेज देख लीजिए। ये अभी तक जिंदा है। पैसे इसे दिए थे? इसे मतलब सर, आप ही तो थे ना। तुम लोग पैसे मेरे हाथ में दिए थे? आप मतलब अपने पीछे खड़े लड़के को दिया था सर। कौन है वो लड़का? मतलब वो लड़का आपको? सवाल मत पूछो, जो पूछा है वो बताओ, कौन है वो लड़का? डिंपल जी का दामाद, यहीं इसी घर में मिले थे। डिंपल, ये क्या है, अब आप लोग भाई से डायरेक्ट मिलने लगे? सर आपको इन्हें ऐसे एनकरेज नहीं करना चाहिए, प्रोटोकॉल बनाए रखेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरे पीछे खड़ा ये लड़का कौन है? ये मेरा फैन है सर। तुम्हारा फैन? क्यों सर, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? मेरे फैंस नहीं हो सकते, आप मेरे फैंस को लेकर घूम रहे हैं, अच्छी बात नहीं है सर। उसका नाम क्या है? उसका नाम दामाद है सर। क्या मतलब? दामाद सीनू सर। दामाद सीनू, ये क्या नाम हुआ? क्यों नहीं हो सकता सर, अम्मा राजशेखर बहन मायावती, तो दामाद सीनू क्यों नहीं हो सकता सर? कहाँ रहते हैं ये सब? चार्स को क्या पता कि फैंस कहाँ रहते हैं? बकवास करेगा तो मार डालूंगा तुझे। ये कौन है पता है? बड़ा चीटर है, मेरे जैसे किसी को क्रिएट करके तुम्हें बेवकूफ बनाकर पैसे खींच रहा है। ओए, पूरा शहर छान मारो, मुझे ये लोग चाहिए उस डुप्लीकेट के साथ। ठीक है सर, चलो रे। चलो कितना पैसा दिया था तुझे? हाँ? माला पहना कर 1,00,000 रुपए दिए थे सर। सर, उन्होंने कितना कलेक्शन किया होगा? मैं तुझे हिसाब बताऊं? नहीं, जरूरी नहीं। तू जैसे गधे को तो। अंकल। हे रोहित। आओ 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 आओ। क्या हुआ अंकल, कुछ टेंशन है क्या? कुछ नहीं बेटा, इस गधे ने बेकार में मुझे टेंशन दे दी। तो शूट क्यों नहीं किया? इतना कम है क्या? अरे वो सब बात छोड़ो, अच्छा हुआ आ गए। अंजलि, तुम्हारा आउट भी रोहित। हाय अंजलि, तुमने मुझे कभी देखा नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें वीडियो में कई बार देखा है। तुम्हारे सारे वीडियोस अंकल मेरे डैड को भेजा करते थे। पापा, 1 मिनट। क्या हुआ बेटी? I'm confused. ये रोहित है? हाँ, यही रोहित है। तो फिर उस दिन आपके साथ मॉल में कौन था? कौन था? उसने कहा कि वो रोहित है। I like him, Dad. मतलब मेरे साथ जो भी रहेगा वो रोहित होगा? उसे तुम पसंद करने लगोगी? स-
सॉरी डैड। वो बहुत बड़ा चीटर है। उसने तुम्हें ही नहीं मेरे नाम से कई लोगों को चीट किया है। उसका फोन नंबर है तो दो। क्या हुआ, फोन नंबर दो। नहीं है डैड, मेरे पास नहीं है। देखा कितना चालाक है वो, बिना फोन नंबर और पता के लोग बेवकूफ बन गए। लगने तो मेरे हाथ। अंजलि एक बार मेरी बात तो सुनो। मैं कभी मर्दों पर भरोसा नहीं करती थी, फर्स्ट टाइम तुम पर भरोसा किया। तुम औरों जैसे नहीं होगे सोचा था, क्यों मुझे ऐसे धोखा दिया तुमने। अंजलि एक बार मेरी बात तो सुन लो। अब क्या बोलोगे, एक और झूठ। मेरे डैड ने जब तुम्हारा नंबर मांगा तो मैंने नहीं दिया, पता है क्यों? मेरी लाइफ में कुछ अनमोल पल तुम्हारी वजह से आए थे, इसलिए, वरना अब तक तुम्हें मरवा डाला होता। अंजलि तुम्हारे करीब आने के लिए मैंने झूठ जरूर बोला है, लेकिन मेरा प्यार एकदम सच्चा है अंजलि। प्लीज बस बहुत हुआ, कहीं चले जाओ यहाँ से कम तुम जिंदा तो रहोगे, लेकिन आज की बात मुझसे मिलने या बात करने की कोशिश भी मत करना। अंजलि यार, मैंने उसको कितना समझाया लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी, मेरे गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊं। शहर की लड़कियां ऐसी होती हैं सिनू, जो सच बोलो तो नहीं पड़ती, झूठ बोलो तो चीटर बोलती हैं। ये सब क्या है? गुड इवनिंग सर। अंजलि अंजलि ये ऐसे पीकर क्यों पड़ा है? सर सिनू डीपली प्यार में हर्ट हो गया है, सो ऑटोमेटिकली हम लोग भी हर्ट हो गए। प्यार? कौन है वो लड़की? बाबा भाई की बेटी। बेचारी की उसने एक भी बात नहीं सुनी, चीटर बोल के थप्पड़ मार के चली गई। अब मार कर चली गई? अरे वैसे ये भाई है कौन? भाई मतलब सेम टू सेम। भाई बोले तो शहर का बहुत बड़ा तोप। तोप तो क्या अरे रुको भाई रुको, मैं इस शहर में नया हूँ, मुझे यहाँ के भाई जी से मिलना है। हाँ बैठिए, हम भी आपको ही ढूंढ रहे थे। भाई अंदर अंदर जाइए। नमस्ते सर, मेरा नाम नरसिम्हा है, आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। तुम यहाँ? भाई मतलब तुम? हेलो, तुम्हें देखकर मुझे शॉक्ड होना चाहिए, यहाँ तो तुम्हें शॉक्ड हो गए। मतलब हमारे सीनू ने तुम्हारी बेटी से प्यार किया? आखिर ये सीनू है कौन? हाँ तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, मेरी जिंदगी तक बर्बाद कर दी थी, थक हार कर मैं आत्महत्या करने चला गया, तो एक छोटे बच्चे ने मुझे हिम्मत दिया और मेरी जान बचा ली, वही बच्चा सीनू है, बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारी बेटी का बहुत ख्याल रखेगा। हे, आज तक उसके लिए मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम चाहो तो मैं दोबारा तुम्हारी नजरों से कहीं दूर चला जाऊंगा, लेकिन मेरे सीनू से अपनी बेटी की शादी करवा दो। अरे सोना है वो लड़का। सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे अंदर की इंसानियत भी अभी तक जिंदा है। यहां हमें शादी के बारे में बात नहीं करनी, मौत की बात करनी है। आए, लेकर आओ उन्हें। ए राधे, राधे, शंकर, नरसिम्हा भाई, नरसिम्हा जिंदा हो? नरसिम्हा भाई जिंदा हो? हाँ जिंदा हो। ए, ये सब क्या है, तुम सब यहाँ कैसे? भाई तुम्हें एक बात बतानी है, तुम्हारी बेटी मरी नहीं है, जिंदा है। ए, क्या कहा? ए, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ भाई, उसके पास तुम्हारी बेटी पल रही है, हमारी अंजलि बिटिया। ए, ये लोग सच कह रहे हैं क्या? मेरी बेटी जिंदा है क्या? कहाँ है मेरी अंजलि? कहाँ है मेरी अंजलि? जिंदा है, लेकिन मरते समय जिंदा लोगों के बारे में जानकर क्या करोगे? हाँ उस समय सहायता करने के लिए सुग्रीव की जिंदगी में राम नहीं थे, लेकिन अब है मेरा सीनू, देख वहां।
अंकल, फ्लाइट के टेक ऑफ की परमिशन आ गई है, हम एयरपोर्ट पर ही हैं। आप कहाँ हैं? बस पहुंचता। सिनू, 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 आई, आई, इसे भी इनके साथ बांध कर एक साथ जला डालो। ठीक है। सिनू, हेलो भाई, क्या हुआ? बस मैं ही बच पाया हूँ भाई, वो उन लोगों को लेकर भाग गया। hey, उनको जिंदा मत छोड़ना, अंजलि की शादी करके वापस आने तक मुझे उनकी लाशें चाहिए। क्या ससुर जी, क्या है ये सब? आपने कहा था आपका कोई नहीं है, तो ये गुंडा आपका भाई कैसे? हम लोग नलगुंडा जिला के श्रीपुरम गांव में रहते थे। नाम में जो श्री है वो गांव में नहीं था। फ्लोराइड की समस्या ने हमारे गांव की खुशियों को शराब की तरह खा लिया। मैं क्या कर सकता हूँ नरसिम्हा जी? आप कुछ करोगे, इसीलिए तो लोगों ने भरोसा करके आपको वोट दिया। ऊपर से आप इस जिला के मंत्री हैं। नरसिम्हा जी, हमें दुख नहीं होता है क्या? ये फ्लोराइड प्लांट का प्लान है, इसे लगाना है तो 50 करोड़ का खर्च है। 50% सरकार लगाएगी, इसके लिए मैंने मना लिया है, लेकिन बाकी का 50% कौन लगाएगा? मैं लगाऊंगा। मेरे ससुर जी ने अपनी बेटी के साथ तमाम जायदाद भी मुझे दी थी, उसे लोगों की भलाई के लिए लगाने से उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, इसीलिए उनकी दी हुई जायदाद से 10 करोड़ फ्लोराइड प्लांट लगाने के लिए मैं दे रहा हूँ। आपसे भी जितना बने उतना दीजिए, ताकि हमारे बच्चे स्वस्थ रहे। एक छोटी सी गलती पर मेरे भाई ने मुझे जेल भेज दिया। मुझे तो एक फूटी कौड़ी नहीं देगा, लेकिन गांव वालों के लिए जायदाद बांट रहा है। उसे मारकर मैं जेल आता तो ठीक होता। दूसरों का पैसा देखकर चलना बेवकूफी होती है। जो उसे छीन लेता है वही मर्द कहलाता है। अरे जेल में से कैसे छीनूं? यहाँ से मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम पार्टनरशिप दोगे तो मैं आइडिया दूंगा। मैं रेडी हूँ। भाई 15 करोड़ है, संभाल कर। अरे डरना क्यों, सिक्योरिटी है ना। मंदिर में दर्शन करने के बाद मिनिस्टर से मिलकर पैसे उन्हें दे दूंगा। तुम यहाँ रहकर उस ऑफिसर से मीटिंग निपटा लो। अरे वाह। नंदनी, ना, अंजलि, 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 मेरे भाई, अंजलि और तुम्हारी भाभी मर गई। तो तुम जिंदा रहकर क्या करोगे भैया? तुम भी मर जाओ। क्या है ना, तुम अपनी बीबी बच्ची के साथ लोगों का पैसा लेकर भाग रहे थे, ये भरोसा मैं लोगों को दिलवा दूंगा। उसके बाद पुलिस वालों के हाथों या लोगों के हाथों मरने से बेहतर है मेरे हाथों मर जाओ। सर, नरसिम्हा सिक्योरिटी के लिए आए पुलिस वालों को मार कर सारे पैसे लेकर भाग रहा है। सच में? रोकिए उसे सर। नरसिम्हा? वो मेरी तरह दिखता है, इसलिए पुलिस ने भरोसा कर लिया कि मैं पैसे लेकर भाग गया।
मेरे लोगों को अरेस्ट करके उन्हें जेल में डाल दिया गया। यह बात मैंने पेपर में पढ़ी, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि मैं अपने आप को निर्दोष साबित कर सकूं, इसीलिए मैंने आत्महत्या करने की ठानी और तभी तुम मेरी जिंदगी में आ गए। तो फिर अंजलि? अंजलि के बारे में भैया को नहीं पता, मैं बताता हूं। तुम लोग अंदर आ रहे हो और हम लोग बाहर जा रहे हैं। सब कुछ हमने ही किया है, तुम्हारे दोस्त को भी हमने ही मारा। तुम्हारे लिए एक और गुड न्यूज, उसकी बेटी अभी तक जिंदा है। उसके नाम पर तो बहुत जायदाद है ना, हाँ वो सब मेरी हो जाएगी। उसके लिए उसे 20 साल तक पालना होगा ना, पाल लूंगा। बेटी तुम्हारा बाप बहुत बुरा इंसान निकला, माँ को मार डाला, लोगों को धोखा देकर सारा पैसा लेकर भाग गया। चाचा जी? चाचा जी नहीं बेटी, आज से मैं ही तुम्हारा पापा हूँ। क्या हूँ बोलो? पापा। पापा क्या कहा? मेरी बच्ची मुझसे नफरत करती है? हाँ भाई, उसने अंजलि के मन में जहर घोल रखा है। मतलब मेरी बच्ची? वो बिल्कुल सही सलामत है, आपकी बेटी के नफरत को प्यार में बदल दूंगा। उन्होंने जितना पैसा चुराया उसका 10 गुना वापस लाऊंगा। जिस गांव से तुम दूर हुए हो वो गांव तुमको वापस दिलाऊंगा। कैसे? सब शारजा चले गए हैं, वहीं पर अंजलि की शादी फिक्स है। शादी उन्होंने तय की है, मंगलसूत्र मैं पहनाऊंगा, शिफ्ट टू शारजा। कोई हिंदी बोलने वाला नहीं है क्या? आप क्यों चिल्ला रहे हैं सर? चिल्लाऊं नहीं तो क्या गाना गाऊं मैं? नो हॉट वाटर इनसाइड। वेडनेसडे है ना सर, इसलिए नहीं मिलेगा। वेडनेसडे को गर्म पानी नहीं, ये क्या बात हुई? हाँ सर, सोमवार को नहाना भी नहीं चाहिए, मंगलवार को मटर नहीं खा सकते, सिर्फ गुरुवार को अंडे खा सकते हैं, ये रूल्स यहाँ फॉलो करने पड़ते हैं। ये बकवास रूल्स किसने बनाए? मैंने। ये कौन है? तुम हैदराबाद के पीए हो तो मैं शारजहा का पीए हूँ। ओह, तो मतलब हम दोनों सेम टू सेम है। नाइस टू सी यू। सॉरी, हम दोनों सेम टू सेम नहीं है। क्यों? रुपया और दिराम एक है क्या? तुम्हारे रुपए से हमारी कंट्री में पानी की एक बूंद नहीं आएगी, हमारे दिराम से तुम्हारी कंट्री में पानी की फुल बोतल आएगी। ओ, पैसे का क्या है, कुत्ते भी कमा लेते हैं। लेकिन यहाँ का दिराम इंसान ही कमा सकता है। ओहो, वैसे ये बेकार के रूल्स। बॉस का ऑर्डर है, अगर ना माने तो मारने को कहा है। सुनो सर, का वास्तु क्लियर हुआ कि नहीं? अभी नहीं हुआ सर। करवाओ। ये वास्तु क्या है, क्लियरेंस क्या है, हाथ में क्या है, क्या ये? चुपचाप खड़ा रहा नहीं तो गिर जाएगा। गिर गया तो? सर इस तरफ बढ़ गया सर। इस तरफ मतलब पेट? तुम्हारा नहीं बढ़ा है क्या? उसका हो सकता है लेकिन तुम्हारा नहीं चलेगा। सुनो, इसे दिन में एक बार से ज्यादा खाना नहीं देना। शादी करने आए, टॉर्चर क्यों कर रहे हो? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? पेड़ा, पेड़ा प्रसाद। पेड़ा? पेड़ा मतलब क्या हुआ? सर लंदन से मेरा बेटा आ रहा है। एयरपोर्ट कार जा चुकी है सर, ही शुड बी हियर इन 30 सेकंड्स। गुड, ये क्या हाल बना रखा है सर? वो वाटर प्रॉब्लम है सर। तुम जल्दी से रेडी होकर आओ। आप जाइए, मैं रेडी होकर आता हूँ सर। हे, तुम ऐसे नंगे मत घूमो यहाँ पर। क्यों? यहाँ के शेख तरह तरह के शौक पालते हैं। इसका मतलब इज्जत खतरे में? I am back. Daddy, I miss you, Daddy. कैसे हो बेटा? मैं अच्छा हूँ। स्टडीज कैसी चल रही है? स्टडीज बुलशिट, स्टडी के नाम लेते मुझे उल्टी होने लगती है डैडी, ऐसा लगता है कि भाग के आपके पास आ जाऊं। That's my boy. बेटा, आपको देख के ऐसा लग रहा है जैसे भक्त हनुमान को देख लिया हो। आपके लिए 9 ग्रहों की पूजा करवाई थी, ये लीजिए। ब्लेसिंग अंकल। ए दोस्त, तुम्हारा बेटा तुम्हारी तरह नहीं है, बहुत ऊपर जाएगा। तेरी तो, तुझे ऊपर भेज के मैं तेरा सब कुछ हड़प लूंगा। ओह माय गॉड, ये राहुकाल है, इस समय बाहर नहीं होना चाहिए। चलो चलो अंदर चलो। चलो चलो। हेलो बेटा। सर किसी गाड़ी की चाबी दो। क्यों सर, अपने पास तो बहुत सारे। मुझे अकेले ही जाना है। ठीक है सर, तुम जाओ। दामाद जी आ जाओ ससुर जी। ये तो मर गया होगा। एयरबैग होगा ना? नहीं मरा होगा। ससुर जी
जाइए। परेशानी तो नहीं होगी ना? मैं हूँ ना ससुर जी, जाइए। एम्बुलेंस। बेड़ा, कैसे हुआ ये? हिट एंड रन केस है सर। हेलो, हैदराबाद से शंकर बोल रहा हूँ। हैदराबाद से शंकर का फोन। हेलो सर, भाई का नंबर मिला है। नहीं मिला तो आपको फोन किया सर। जो कुछ हुआ भाई ने आपको बताया ही होगा। सब बताया मुझे, तो अब क्या है? नरसिम्हा और उसके सारे लोगों ने ओल्ड सिटी से किसी ट्रैवल एजेंट से पासपोर्ट बनवाया, ये इन्फॉर्मेशन है। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग भी शारजा आए होंगे। मैं देख लूंगा। रखो तुम। क्या हुआ भानू? बाबा शक है कि दुश्मन शारजा में घुस आए हैं। मार डालो सबको। मानू जी, सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। पिछले 4-5 दिन में हैदराबाद से शारजा जितने लोग भी आए हैं, उन सब की मुझे फोटो आइडेंटिफिकेशन विद एड्रेस चाहिए। जरूर भेज दो जी। गेट मी ऑल द डिटेल्स ऑफ द पैसेंजर्स हु ट्रैवल फ्रॉम हैदराबाद टू शारजा द लास्ट 1 वीक। जी साहब। रुको भानू, 5 मिनट के लिए हिल। क्या हुआ बाबा? शनि तीसरे चरण में जा रहा है, समय ठीक नहीं है। शनि? अच्छा अंकल, आप वहीं क्यों रुक गए? आइए ना। 5 मिनट तक नहीं आ सकता बेटी, शनि तीसरे चरण में है। ये भी ना उल्लू का पट्टा ही है। सर प्लीज ट्रैक दिस। क्या है ये? थाईलैंड का तेल है क्या? सर के सिर पर लगाना है? नो, इट्स यूरिन, गिव इट इन द लैब। छी, ये है डिंपल। मेरे पापा जी की यूरिन को छीछी कह रहा है। गिव रिस्पेक्ट। यूरिन को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। रिस्पेक्ट यूरिन के लिए नहीं, जिनका है उनके लिए करो। और तुम यूरिन यूरिन करके 10 बार मत चिल्लाओ यार। फिर क्या कहना चाहिए मुझे? सुसु कहना चाहिए। लैब जाओ। ठीक है बेटा। आ रहा है वो, आ रहा है। डिंपल जी, ये क्या हो गया? तुम पनौती, तुम यहाँ, तुम कहाँ से आ गए? वो भाई का सुसु था। चुप कीजिए सर, ये कोई अमृत या प्रसाद था, जाने दीजिए ना। अरे आप बोलो तो हम सब मिल करके दे देंगे, किसी न किसी का मैच हो ही जाएगा। तुम्हारे घटिया आइडिया से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब दोबारा यहाँ किस लिए आए हो? की हुई गलती को सुधारने आए हैं सर। सुधारने आए हो या बिगाड़ने? सच बता रहे हैं सर, उस डुप्लीकेट ने ही हम आपके फैन ने जानकर प्लान करके हमें इस्तेमाल किया, इसलिए हमने उसका अगला प्लान जानकर उसका शारजा तक पीछा किया। उसी ने भाई की कार का एक्सीडेंट भी किया। क्या कहा? ये एक्सीडेंट उसने किया? हाँ सर, टाइम पर भाई को अस्पताल ले आने वाला सीनू ही था सर। तुम्हारी बातों को कितनी बार सच मानूं मैं? आप नहीं मानोगे ये मुझे पता है सर, इसलिए आपको कुछ दिखाना है। अब क्या दिखाना? आइए सर। आइए। ये कौन है? ये डुप्लीकेट भाई हैं, वो मारे चले गए। रुको मैं बता करा। रुकिए सर, ऐसी बेवकूफी करोगे तो कैसे चलेगा? क्यों, क्या हुआ? युद्ध में कितने लोग मरते हैं लेकिन परमवीर चक्र सिर्फ एक को ही मिलता है। परमवीर चक्र खुलकर बताओ ना। हाँ सर, इसे पकड़वाओगे तो पीठ थपथपाकर बस एक बार शाबाश बोलेंगे, लेकिन इसने खाए 100 करोड़ अगर हम दिलवाएंगे तो। परमवीर चक्र कबूल कर लीजिए सर। ऐसे क्या सोच रहे हैं सर? तुम लोग तो मुझसे भी बड़े सर लल्लू हो। क्या सर, आप हमें ऐसा क्यों बोल रहे हो? और नहीं तो क्या, इससे पैसे वसूल करके उसको क्या देना, हम लोग खुद ही दबा लेंगे। और परमवीर चक्र थोड़ा लेट होगा सर। सर इसीलिए सर आप इस पोजीशन पर हैं। सर आपके फैंस की वजह से आपके भाई आज जिंदा हैं। ये बात अगर उन्हें पता चली तो आपका पोजीशन है रिमेज। वाह, सच कहा तुमने। उन्हें अब तक नहीं पता कि बचाने वाला कौन है। मेरा ही एक फैन है, ये उन्हें बताना ही होगा। मेरे साथ आओ, चलो। सर सर, तो इनका क्या करें सर? हाँ, इसका क्या करें? आपके कंट्रोल में रहेगा तो अच्छा रहेगा। वेरी गुड आइडिया। हाँ, इसे मैं अपने विला में सीक्रेटली छुपा लेता हूँ। ब्याज समेत कैसे वसूल करना है वो मैं देख लूंगा। ए तुम लोग यहीं पर रहना, तुम्हारे साथ आओ। ओके सर। तुम यहाँ क्यों आए हो? ये कौन है, मैं जान सकता हूँ? He's a cheater. No, ये नहीं है। तुम्हारे पापा को बचाकर हॉस्पिटल लाने वाला यही है। यही है? हाँ सर। उस टाइम तुम वहाँ क्या कर रहे थे? मैं वहाँ था इसीलिए समय पर इन्हें यहाँ लेकर आ सका। करेक्ट। आप ऐसे पूछ रहे हो जैसे इन्हें बचा के इसने गलती की। वैसे आप मेरे फैन का इस तरह अपमान नहीं कर सकते। आई डोंट लाइक दिस। तुम्हारा फैन? हाँ सर, मेरे फैंस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है ये। अंजलि पापा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं पापा? मेरी बेटी हो ना। थैंक्स बेटा। इट्स ओके सर, अगर ये वहां नहीं होता तो मैं जिंदा नहीं बचता। देख लिया ना, सुन लिया ना सर, मेरे फैन के रक्तदान और अन्नदान की वजह से ही आज आप यहाँ जिंदा लेटे हो सर। और आपने मुझे गलत समझकर मेरा बायां और दायां गांव सुझा दिया सर।
शादी होने तक इन्हें हमारे साथ ही रहने दो। लेकिन हमारे साथ क्यों पापा? मेरी थोड़ी हिम्मत बनी रहेगी बेटी। ए दोस्त, रख लो, हिम्मत मत तोड़ना। लेकिन एक बात है, तुम्हारा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कराया गया है। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? हाँ बेटी, वो नरसिम्हा और उसके लोग शारजा में आए हैं ऐसा शक है। अगर ये सच है तो एक भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। नरसिम्हा मतलब? तुम्हारा बाप। वो अभी तक जिंदा है? अंकल मुझे शादी से पहले उसकी मौत देखनी है। दिखाऊंगा, परेशान मत हो। अगर वो शारजा आया है तो वो और उसके लोग कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। तुम रेस्ट करो दोस्त। क्या हुआ अंजलि, अभी तक मुझसे नाराज हो क्या? देखो, तुम मेरे डैड को तो कन्विंस कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं कर सकते, क्योंकि once a cheater, always a cheater. Once a lover, always a lover. ये कुछ नए तरह का कोमा पेशेंट लगता है। इसकी आंखें हमेशा खुली रहती हैं, मुंह नहीं खोलता। कोई रास्ता नहीं, इसे शॉक देना ही होगा। क्या हुआ, बोल, बताना। ऐसे क्या देख रहा है? आंखें नहीं खोलनी है, मुंह खोलना है। बोल बे, जल्दी बोल, पैसे कहाँ है? बता, जल्दी बोल, बोल। अबे बोल ना। ओए, तू मेरे बारे में नहीं जानता? भाई को हलवा दे चुका हूँ, तू किस खेत की मूली है? सर, करंट ज्यादा है, कहीं टपक ना जाए। नहीं जाएगा, डिवाइजर ऑन किया हुआ है। सर, एक काम करता हूँ, आपके लिए एक पैक बना कर लाता हूँ। यू आर राइट, पैक बना जाकर। ए, जब तक मैं पैक खत्म करके आऊँ तब तक सब कुछ सच बता देना। अगर नहीं बताया ना तो पेपर की तरह फाड़ डालूंगा, आंखें नोच कर कौओं को खिला दूंगा। गधा कहीं का। क्या सर, आप सच में भाई को बेवकूफ बना देते हो? वो बाहर वालों के लिए भाई है, मेरे लिए खिलौना है। उसे कितनी बार तो मैंने रुलाया पता है? सुनो, उसकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, रुखसाना नाम की, मस्त आइटम थी। उसे मैंने पटा लिया, दुबई जाने का इससे झूठ बोलकर मैंने उसे अपने बंगले पे रखा हुआ है। तो रुखसाना को तूने रखा हुआ है? रुखसाना मस्त फिगर है। घूर क्या रहा है? तेरी गर्दन ऐसे क्यों लटकी हुई है? क्या है, तेरी गर्लफ्रेंड जैसे मैंने पटा ली ऐसे देख रहा है? एक दूंगा ना तो मुंह घूम जाएगा। ऐसे घूर रहा है जैसे कि ओरिजिनल भाई हो। हे, ऐसे कईयों को सही किया है मैंने। जब तक मैं कैद में हूँ तब तक तुम सब जिंदा हो। सर, इसके होश में आकर पैसों के बारे में बताने के बाद हमारा हिस्सा हमें दे दोगे ना? किसका कैसा हिस्सा बे? ये क्या बोल रहे हैं सर आप, हम बांटेंगे कहा था ना? क्या किसको बांटेंगे, गली में घूमने वाले के साथ कोई हिस्सा बांटता है क्या? ए, प्लेस मेरा है, प्लान मेरा है, रिस्क मेरा है, करंट मेरा है, तो पैसा भी तो मेरा ही हुआ ना। ए, मैं पैसों का बहुत बड़ा पागल हूँ। आफ्टर ऑल मेरे फैन ने मुझे थप्पड़ मारा। हम तुम्हारे फैन और तुम हमारे हीरो, किस फिल्म में काम किया है तुमने? तुमने ही कहा था ना। अच्छा, डांस करके दिखा। मुझे डांस नहीं आता, कहो तो वीणा बजा दूं। हाँ, वीणा बजाएंगे, तू नाचेगा, सूरदास है क्या तू? आवाज ऊंची हो रही है, तुम्हारा हाथ भी तो उठ रहा है। ये देख, अगर हमारा हिस्सा हमें नहीं मिला तो हालत बहुत ही बुरे हो जाएंगे। पकड़े से चलो रे। उसे थप्पड़ क्यों मारा सीनू? उसका रिजल्ट तुम्हें कल पता चलेगा। दोस्तों, आज से मेरे बेटे की शादी के दिन तक एवरीडे पार्टी है। यस, बुलशिट, क्या है ये, सारी प्रॉपर्टी एंजॉय पार्टी के नाम पे खर्च किया जा रहा है। लगता है ये मुझे भिकमंगा बना के छोड़ेगा। मेरी बॉस की जायदाद तुम्हें कैसे मिलेगी? इसके मरने के बाद मेरी ही होगी ना। यस दोस्त, बहुत जल्दी रिकवर हो गए तुम। आई एम हैप्पी। बाबा का आशीर्वाद ले लो। बाबा आयुष्मान। क्या बदलाव, क्या भक्ति है। तुम्हारे ग्रह अनुकूल नहीं है, सावधान रहना होगा। दोस्त देखो, मेरा बेटा और तुम्हारी बेटी साथ में कितने खुश लग रहे हैं। हाय। अरे दामाद जी, ये कॉम्बिनेशन मुझसे देखा नहीं जा रहा है। एक घंटा रुको ससुर जी, कॉम्बिनेशन के साथ कैरेक्टर भी बदल जाएगा। समझ गया, लंगी बाबा ना। यस, आप जाइए, तैयार हो जाइए। सर डिंपल जी, क्या हीरो लग रहे हो यार। दिन में तो ऐसे ही कहते हो, लेकिन रात होते ही वीणा स्टेप, तबला स्टेप कह के बजा डालते हो। सॉरी सर।
सब उन गधों की वजह से हुआ, इसलिए उन्हें वापस भेज दिया। तो तुम यहाँ क्यों हो? भाई ने रुकने के लिए बोला ना। तुम मेरे फैन हो कि भाई के फैन हो? भाई के पास आया हूँ, लेकिन फैन आपका हूँ सर। बड़े चालाक हो। भाई वहाँ टेंट में है, आपको अर्जेंट बुलाया है। ओहो, मतलब डायरेक्ट मिलने लगे। चाली चीज है, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। मैं भी तो यही चाहता हूँ। पिड़ा जी। हाँ क्या है सर? भाई उस टेंट के पास कुछ सीक्रेट बात कर रहे हैं, वहाँ किसी को जाने से मना किया है। सीक्रेट? डिंपल, वो अटलांटिक होटल के 1065 में लुंगी बाबा नाम के एक बाबा जी हैं। उन्हें ये कैश देकर तुरंत यहाँ से वापस जाने को बोल दो। लेकिन क्यों सर? क्योंकि वो मेरी पुरानी पहचान वाले हैं। अंजलि की शादी के लिए जब उन्हें कुंडली दिखाई तो उन्होंने कहा कि लड़की की कुंडली में दोष है। अब ना, मैं तो इन सब बातों में विश्वास नहीं करता, लेकिन भानु को अगर पता चल गया तो वो शादी रोक देगा। सर मेरे मन में डाउट है, अगर कुंडली में दोष है तो ये बात भोले बाबा ने क्यों नहीं बताई? अरे उसे कुछ नहीं पता। देखो भानु ने वाइफ की डिलीवरी इसके कहे डेट पे रखी थी ना। हाँ। क्या हुआ? रोहित के पैदा होते ही बीबी मर गई। अरे वो एक फेक बाबा है, बस वो सर्वाइव के लिए यहाँ पड़ा रहता है। क्या बात कर रहे हो पेड़ा? सर सर, उनके सीक्रेट को मैंने सीक्रेटली सुन लिया है। उनके भरोसे अगर आपने रोहित की शादी करवा दी तो जितना भी खर्चा हो जाकर उस लुंगी बाबा को तुरंत लेकर आओ। ओके सर। कौन है ये बाबा? अभी पता चल जाएगा। प्रणाम लुंगी बाबा, प्रणाम। लुंगी आशीर्वाद, लुंगी आशीर्वाद। बाबा मेरा बेटा रोहित। नमस्ते बाबा जी। इसके चेहरे पर ग्रह दशा खराब क्यों देख रही है? दशा? कौन सी दशा? ए, दशा भी नहीं मालूम, तुम काहे के बाबा हो? भानु क्या बोल रहे हो तुम? चुप रहो। 30 जगह बताई थी तुमने, लेकिन तेल सिर्फ 3 जगह निकला, बाकी जगह क्यों नहीं? वहाँ तेल बचा ही नहीं, इसीलिए। अच्छा, मेरी बीवी की डिलीवरी डेट तुमने फिक्स की थी, लेकिन वो तो मर गई, बताओ क्यों? उनका टाइम हो गया था, चली गई। अब तेरा टाइम हो गया है, चल निकल यहाँ से। भानु तुम मेरा अपमान कर रहे हो। काट डालूंगा, चल निकल यहाँ से। ओह यस। आप कहिए बाबा, 4 दिन में मेरे बेटे की शादी होने वाली है। शादी? कन्या कौन है? अंकल। बाबा अंजलि। असल में मैच नहीं हो रहा है, कन्यादान कौन करेगा? दोस्त। अब जाइए ससुर जी, जाइए। ए डिंपल। भद्रा तुम क्यों ग्रहों से खिलवाड़ कर रहे हो? इस शादी के लिए मैंने मना किया था ना। वो ना, मुझे इन सब पर भरोसा नहीं। लेकिन मुझे है बाबा, इसका कोई सॉल्यूशन तो होगा। हाँ है, लेकिन वो रास्ता थोड़ा कष्ट भरा और मुश्किल है। कोई बात नहीं बाबा, अब बताइए। इस बिटिया की उसी मुहूर्त में एक नकली शादी करवानी होगी, उसके 24 घंटे के बाद दोस्त भी मिट जाएगा और दूल्हा भी मर जाएगा। उसके बाद आप जिसे चाहो उसकी शादी करवा सकते हो। तो ठीक है ना, किसी को भी लाकर चुपचाप शादी करवा लेंगे। नहीं, नहीं नहीं, हम सीक्रेटली इंसान को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन ग्रहों को नहीं, वो सब ऊपर से देखते हैं। सही कहा ना बाबा? करेक्ट। सारे सांस्कृतिक विधि विधान पूर्ण करने होंगे और सबके सामने विवाह समारोह करना होगा, उसके बाद बिटिया के ऊपर के सारे दोष बिल्कुल मिट जाएंगे। दोस्त ये संभव नहीं है, अपने देश से इतनी दूर हमारे जैसा कौन मिलेगा? एक है। है? कौन है डिंपल? मेरा फैन सीनू। सीनू? इम्पॉसिबल, मैं उससे नहीं करूंगी। आई हेट सीनू। इसीलिए तो, उससे करोगी तो लेट हो जाएगा ना। शादी है ना बेटी, मान जाओ। ये मान भी जाएगी तो उसे कौन मनाएगा? जाने दीजिए ना सर, मैं मनाऊंगा ना उसे, वो थोड़ा पैसों का लालची है। जितना मांगे दे देंगे, मना लो। ज्यादा नहीं देना, बस 1 करोड़ दे दो। 1 करोड़? हाँ, मैं तो 1 करोड़ रुपए में मना लूंगा, तुमसे तो 1 करोड़ दिरहम मांगेगा, चलेगा क्या? रहने दो, तुम ही जाओ। ये आप क्या कह रहे हो सर? सच कह रहा हूँ, 1 करोड़ देंगे। 1 करोड़ के लालच में आकर भाई की बेटी से शादी कर लूं, और वो भी नकली शादी? मेरी अंतरात्मा नहीं मान रही है। क्या है कि अंतरात्मा? खाने पीने के लिए पैसे है नहीं, लेकिन नखरे देखो। अंतरात्मा अपने तक रखो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला। अरे आती हुई लक्ष्मी को कोई ठुकराता है क्या? वैसे ये नकली शादी क्यों कर रहे हैं? मैं क्या कहीं मर जाऊंगा क्या? हाँ, पैर की एक उंगली कट जाएगी बस। ऐसा है तो वो खुद भी कर सकता है। बेकार की बातें मत करो, करोड़पति हाथ पैर पे रिस्क नहीं लेते। तुम ये शादी करोगे, मैंने कमिट किया है। देखो मेरी इज्जत दांव पे लगी हुई है, बोलो करोगे या नहीं? ठीक है सर, आपकी इज्जत रखने के लिए मैं अपनी अंतरात्मा को भी मार देता हूँ। 1 करोड़ में हिस्सा तो नहीं मांगेंगे ना? छी छी, 1 रुपया भी नहीं चाहिए, सब रख लो। तेरे बात तो सब मेरा ही है। क्या सर? अरे कुछ नहीं, तुम तैयार हो ना? ओके सर। थैंक्स यार, मैं अभी जाकर उन्हें ये बात बताता हूँ। मुझे मारेगा ना, देखना शादी के बाद तेरे ग्रह तेरे साथ क्या करते हैं। क्या बात है, राजी हो गए? डिंपल ने तुम्हें क्या कहा पता नहीं, पर ये शादी करोगे तो 24 घंटे के अंदर मर जाओगे। नो प्रॉब्लम, 24 घंटे तो तुम्हारा पति बनकर रह लूंगा, वो काफी है। एक और बात बताऊं मैं, प्यार एक बीमारी है, उसकी दवा बस प्यार करना ही है। जैसे मरना है मरो।
बात ही मत करो, बहुत बड़ा चीटर है। अच्छा वैसे तुम मेरी शादी में आओगी सोचा नहीं था, तुम्हें लेकर आकर बहुत बड़ी चीट की है उसने। मेरी डिलीवरी पर तुम्हें लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी ना उसने। तुम लोग उसके फ्रेंड्स हो या मेरे फ्रेंड्स हो? तुम्हारे ही फ्रेंड्स हैं। छोड़ो, ये बताओ आज का प्रोग्राम क्या है? आज हम लोग बाहर घूमने जाएंगे। ए, दुल्हन बनने के बाद बाहर नहीं जा सकते, समझी? हाँ, ये नकली शादी है, तुम दोनों भी इसे सीरियसली मत लो। ओके, कम लेट्स हैव फन। ओके वेलकम। तुम यहाँ क्यों आए हो? हमने बुलाया इसे। अंजलि, तुम्हें इससे प्रॉब्लम होगी लेकिन हमें नहीं है। इसके बाद भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो हम लोग चले जाते हैं। रहने दो, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम हियर। अब मैंने तुम्हारी गर्दन थोड़ी पकड़ रखी है। शट अप। ओहो, अब चुप करो, चलो चलते हैं। बाप रे, इतना ऊंचा, मेरे बस की बात नहीं है। अरे ये तो कोई भी कर लेगा यार। ठीक है, पहले मैं करती हूँ फिर तुम लोग करना। ओके, हे अंजलि, अंजलि प्लीज, अंजलि संभल के। ओके, अंजलि संभल कर प्लीज, अंजलि संभल के। ओके, thank god। Mad? You might have died. मरा तो नहीं ना? Thank you, Sinu. लेकिन बिना सेफ्टी के आप ऐसे कैसे कूद गए? उस पल मैंने अपने बारे में नहीं सोचा था, अंजलि के बारे में सोचा था। अगर वो चली जाती तो मैं अकेला रहकर क्या करता? तुम्हारे प्यार को नफरत में बदलने की कोशिशें करती आई हूँ, तुमसे नफरत करने लगी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। I love you, सीनू। अंजलि, ये तो सच है ना? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मतलब ये बाबा के लोग और ये नकली शादी अगर झूठ है ये पता चला तो फिर से? इन सब बातों को तो भूल जाओ, बस तुम्हारा प्यार सच्चा है ये मुझे समझ में आ गया है। तब तो वो सब मेरा ही नाटक है। What? और क्या, कोई उल्लू का पट्ठा आकर शादी कर लेगा तो मैं देखता खड़ा रहूं, इसलिए ये सब किया। बस इतना ही ना, या मेरे जाने के लिए और भी कुछ बाकी है? हाँ है ना, लेकिन मेरे बताने से अच्छा है कि तुम खुद ही जान जाओ। जरूरत नहीं है, तुम्हारे बारे में पता चल गया उतना ही काफी है, अब और मुझे कुछ भी नहीं जानना। आई लव यू, आई लव यू। सर, तुम अच्छे लड़के हो, एक बार मेरे दोस्त को बचाया, अब इस नकली शादी के लिए राजी होकर मेरे बेटे को बचाने वाले हो। मतलब शादी के बाद पैर की उंगली कट सकती है, बस इतना ही ना? हाँ वही बात है। सीनू, तुम्हारा बहुत फायदा होने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वानु साहब, जावेद साहब ने भेजा, ये रहा आपका फाइल। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। माफ है मुश्किल, ये फाइल किसकी है भानु? इमिग्रेशन ऑफिस से मंगवाया मैंने। नरसिंह और उसके लोग यहाँ आए हैं ये शक दूर करने के लिए। हैदराबाद से शारजा आने वाले हर पैसेंजर की डिटेल फोटो के साथ मंगवाई है मैंने। दोस्त वादा करता हूँ उनमें से कोई भी जिंदा यहाँ से वापस नहीं जाएगा। उस नरसिंह के लोगों को तुम पहचान सकते हो क्या? अरे उसके सब लोगों को मैं पहचानता हूँ, लाओ इधर दिखाओ। गुड, देखो बाकी और कौन लोग है बताओ, उनको तो हमारे लड़के देख लेंगे। देखा है मैंने, ये देखो आया है ना,
आया है और वो दूसरा उसके साथ रहता है। ये नहीं है उसके साथ रहने वाला, किधर गया? ये देखो, ये है, इसे पकड़ लोगे तो सब मिल जाएंगे। ये हाँ दोस्त, यही है। बेड़ा सर, ये फोटो सभी लड़कों को भेज दो। यस सर। ये लोग जिंदा नहीं बचने चाहिए। ठीक है सर। ससुर जी इधर आइए। हाँ ससुर जी, आपने किसी बेचारे को फंसा दिया। अरे अगर वो इनके हाथ लग गया तो? अरे वो इन्हें नहीं मिलेगा, इस समय वो अमेरिका में शो कर रहा होगा। शो? हाँ, वो बहुत बड़ा सिंगर है, हमारी फ्लाइट में ही आया था, अपनी टीम के साथ अमेरिका में शो करने वाला है, ये बताया था मुझे। हो सकता है वो अमेरिका छोड़कर कहीं और चला गया। अरे बाप रे, बचा लिया। ससुर जी हमें अपना काम जल्दी फिनिश करना होगा। हाँ बस दो दिन और। रेम्बो, अपने साथ हुए अपमान को मैं भूल नहीं सकता, वहां कुछ और ही चल रहा है। वो हैदराबाद से आए लोग कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। ये नकली शादी, ये सब कुछ एक बकवास है। भानु को सबक सिखाना है, उसके हाथों ही उन लोगों को मरवाना होगा। जाओ, वेश बदल कर पैलेस में घुस जाओ, उन पर नजर रखो और सबूत इकट्ठे करो। जाओ। अबे तेरी वजह से कितनी बिजली वेस्ट हो रही है पता है तुझे? गलत है, एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। बोल कैश कहाँ है, बोलना। ज्यादा झटके दे उठ जाऊंगा। ओए, मैं तेरा ट्रीटमेंट बदलता हूँ, लुंगी बाबा के पास जाकर भभूति तेरे मुंह में डालता हूँ, देखता हूँ तब रिजल्ट क्या मिलता है। लुंगी बाबा, लुंगी बाबा। तुम लोग कौन हो? मैं हूँ लुंगी बाबा। लुंगी बाबा तुम हो? आओ डिंपल जी, ताश खेलते हैं। ताश मैं खेलता नहीं, खिलाता हूँ। सीनू को धोखा दे रहे हो, मैं अभी सीनू को बताता हूँ। तू और तेरा ये गिरोह तो गए काम से। बाबा एनी डेंजर? काहे का डेंजर, वो सीनू संभाल लेगा, तू पत्ते बाट, तू जाकर देख। सीनू? अरे सीनू। डिंपल जी दरवाजा बंद कीजिए, कोई देख लेगा। ये क्या बात हुई, तुम्हारी शादी तो नकली है, तुम लोगों को इसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए। नकली शादी है, ऐसा किसने कहा आपको? अरे उसी लुंगी बाबा। ओ हाँ, वो भी तो नकली है। टिंपल जी ये नकली शादी नहीं है, लव मैरिज है। लव? ये कब हो गया? आपने जब चार्टर्ड फ्लाइट दी थी ना, तभी हो गया था। ओहो, भाई की बेटी समझ लो कहा था, लेकिन आज कंफर्म किया है, बताता हूँ तुम्हें मैं। दरवाजा बंद करके जा रहा हूँ, चिपके रहो, भाई को ये बात बतानी पड़ेगी। दोस्त, शादी होते ही हम दोनों एक नया बिजनेस शुरू करेंगे। कौन सी शादी डैड? नकली शादी? नहीं रे, ओरिजिनल, तुम्हारी शादी। बहुत कंफ्यूजन हो रहा है डैड। एक दिन और रुक जाओ, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। दोस्त, मेरे पास रखे तुम्हारे 250 करोड़ में अपने 250 करोड़ मिलाकर शारजा में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट प्लान किया हुआ है। हाँ। डीलो के ना। सर 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 सर, बात कर रहे हैं ना? सर पवन कल्याण का फोन आ रहा है सर। पवन कल्याण? पवन कल्याण? हाँ सर, उन्होंने कहा अर्जेंटली आपसे बात करनी है। जरूर कोई जरूरी बात होगी, जाओ जाके बात कर लो। आइए सर, जल्दी आइए सर, आइए सर। अरे रुको, पवन कल्याण के पास मेरा नंबर कहाँ से आया? अरे नंबर गया तेल लेने। सर सर सर, मैं आपके हाथ की कसम खा के कहता हूँ सर। अरे क्या हुआ है? उन्होंने मुझे फिर से धोखा दिया सर, यहाँ होने वाली शादी कोई नकली नहीं है सर, वो सीनू, वो लुंगी बाबा, उनका पूरा गिरोह नकली है सर। अरे जाने दे यार, मैं कौन सा असली हूँ? सर ये क्या बात कर रहे हैं सर? मैं भी नकली हूँ। तो फिर ओरिजिनल? तुम रोज जिसे करंट लगाते हो ना, वो है। ये बात अगर बाहर किसी को बताओगे मार डालेंगे सर। ये कोई बाहर बताने की बात है? उसे बिजली के झटके दिए, उल्टा सीधा बोला, गाली भी दी, कुर्सी से उठेगा तो पता नहीं क्या करेगा। अभी तो झूठ नहीं बोल रहे हो ना? इसके ठेंगे से क्या समझूं, झूठ है कि सच है। मैं तो गया काम से। सर एक्चुअली इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर, अगर आप मेरी जगह होते तो आप भी यही करते सर। सर मेरा एक डाउट है सर, मैं तो बेवकूफ हूँ इसलिए उनके चंगुल में फंस गया, लेकिन आप तो भाई हैं सर, आप कैसे जाल में फंस गए? उठ गया तो तुम लोग फंसोगे। ये तो देखने के अलावा बात ही नहीं करता। सर अगर मेरी बातें आपको सुनाई दी हैं तो सर को हाँ में हिलाइए, और अगर नहीं सुनाई दिए तो ना में हिलाइए। सब सुनाई दे रहा है मुझे। आंखें देखने से तो लगता है कि इसे मेरी सारी बातें समझ में आ रही हैं। होश में आते ही मुझे ही उड़ाएगा। बाप रे, कुछ तो करना पड़ेगा इसका।
अरे सीनू, कैसे भी करके मुझे इंडिया भिजवा यार, यहाँ रहा तो टेंशन से मैं मर जाऊंगा यार। नहीं सर, उन्हें डाउट हो जाएगा, सभी माफिया हैं, बहुत बुरे लोग हैं। बहुत बेवकूफ बना चुका तू मुझे, तुझसे तो वो लोग कहीं अच्छे हैं। सर कल तक हमारा सारा काम हो जाएगा, उसके बाद सभी साथ में चले जाएंगे। पर जाएंगे कैसे? मैं प्लान करूंगा ना, कल सुबह हमारी अगली स्कीम शुरू होगी। मतलब फिर से नई स्कीम? हाँ सर, ऑपरेशन दिलीप कुमार। बेचारे उन्हें भी नहीं छोड़ा तुमने। क्या करे, इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। करो करो इस्तेमाल करो। रेम्बो क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं, कुछ बातों का ना जानना ही आपकी सेहत और सांस के लिए बेहतर है। जय भोलेनाथ। नहीं छोड़ूंगा। सीनू तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? इसे क्या होगा, ये तो खुद यमराज है। क्यों भाई, क्या हालत की उसकी? ऊंट पर बांधकर रेगिस्तान में छोड़ दिया। रेगिस्तान में छोड़ दिया? पहली बार सुन रहा हूँ, तो उस पर विश्वास नहीं हो रहा। अब रहने दो ना ससुर जी, ये ऑपरेशन सक्सेस होना है तो हमें डिंपल जी जैसा एक और बेस्ट बकरा मिलना चाहिए। सॉरी यार। वैसे डिंपल जी जैसा बकरा मिलना मुश्किल है ना। आप टेंशन मत लीजिए सर, ये ढूंढ लेगा। मिल गया, देखा कौन है वो? पेड़ा। पेड़ा, वाह मस्त बकरे को पकड़ा तूने। मौका मिलते ही वो हर समय मुझे रुपए और दिरहम की परिभाषा बताता रहता है। तेरे चक्कर में आके उसका कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल सर। कहाँ पकड़ा था सर इस ब्रह्मास्त्र को? तुझे सोने के पैसे देता हूँ, काम पर सोता है तू। मस्त सिक्योरिटी गार्ड, यू आर सिक्योरिटी गार्ड, अंडरस्टैंड? क्या बात है, ऐसे घूर क्यों रहे हो? अरे वाह क्या बॉडी है तुम्हारी, कोई भी मारे फर्क नहीं पड़ेगा। ए, मुझे कौन मारेगा? जोक मारा था यार। रुपए को दिराम से मजाक नहीं करना चाहिए। कहा था ना ये ऐसा ही कहेगा, मैंने पहले ही कहा था, अब तुमको जो कहना है कह लो। भाई कुछ सीक्रेट बात करना चाहते हैं, उस टेंट की तरफ किसी को भी आने से मना किया है। सीक्रेट? ठीक है कोई नहीं आएगा। ठीक है ओके जाओ, चलो भाई। ओके सीक्रेट स्टार्ट करो। ये क्या है स्वामी जी? पेट्रोल प्लांट, मतलब पेट्रोल का पौधा। पेट्रोल पंप के बारे में सुना है, लेकिन पेट्रोल का पौधा क्या चीज है? बताता हूँ। वो लाइटर इधर देना। वाओ। अरे ये सब क्या है? ये क्या पेट्रोल है? देने वाला पौधा है बेटा। मेक्सिको में एक ड्रग्स किंग ने हेरोइन और कोकीन के पौधे को मिलाकर एक नए नशे का पदार्थ बनाया, उस प्रयोग में ये पौधा पैदा हुआ। मेरा प्रिय शिष्य है दिलीप कुमार, पहली बार इस पौधे का 1 टन बीज इंडिया में मंगाने वाला है, 10,000 एकड़ जमीन पर खेती करवाने वाला है। मतलब उस खेती के बाद तुम्हारी 3 पीढ़ी भी घर बैठकर खा सकती है। तो ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं स्वामी जी? इनकी तो शादी नहीं हुई। अपना मुंह बंद कर। इस प्रोजेक्ट में कुल 1,000 करोड़ का खर्चा होगा, जिसमें 500 करोड़ लगाने के लिए वो तैयार है। बाकी के 500 करोड़ लगाने के लिए और बिजनेस देखने के लिए एक अच्छा सा पार्टनर चाहिए, मुझसे कहा था, इसीलिए तो मैं इस यात्रा पर निकला हूँ। तुम मेरे प्रिय शिष्य हो, इसीलिए मैं तुम्हें पहला मौका देना चाहता हूँ बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। सर लेकिन आप दोस्ती के नाम पर, पार्टनर के नाम पर किसी और को इसमें शामिल मत करना। हाँ जी, ये प्रोजेक्ट आपको अकेले ही करना होगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ, वो भानु के पास ना मेरे 200 करोड़ रुपए हैं, वो मैं किसी और बहाने से वापस ले लूंगा और बाकी के 250 करोड़ इंडिया से ट्रांसफर भी करवा लूंगा। खुश रहो, ये प्रोजेक्ट की बात लिख मत करना, इसे रहस्य ही रखना, वरना मेरे दिलीप कुमार मुझसे नाराज हो जाएंगे। ठीक है बाबा, जय हो। सच में? हाँ सर, मैंने अपने कानों से सुना है और अपनी आंखों से देखा है। हम यहाँ 10,000 फुट अंदर तक खोते हैं, लेकिन एक चम्मच पर पेट्रोल नहीं निकलता। वो कोई मामूली पौधा नहीं है सर, मसलने पर पेट्रोल बरसने लगता है उसमें से। डैड, इट्स अ मिरेकल। उल्टे कामों में वो हमारे पैसे लगवा कर अकेले ही ये धंधा करना चाहता है, बताता हूँ उसे। दोस्त मुझे तुमसे कुछ अर्जेंटली बात करनी है। बोलो। वो क्या है ना कि मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे, मेरे 250 करोड़ ट्रांसफर कर दो तो। 250 काफी है या 500 चाहिए? नहीं नहीं 250 काफी है। किसे ट्रांसफर करना है, तुम्हें या दिलीप कुमार को? अब, 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 ये बात तुम्हें कैसे? इसको भी फंसा लिया। मुझे सब पता है दोस्त, पेट्रोल प्लांट प्रोजेक्ट के बारे में सुना है। अब तक चाहे लीगल हो या इलीगल हो, सारे बिजनेस हमने मिलके किए हैं, लेकिन ये काम तुम अकेले करना चाहते हो।
अरे ऐसा नहीं है दोस्त, इसमें थोड़ा रिस्क है, इसीलिए तुम्हें क्यों इन्वॉल्व करूं? मुझे रिस्क ही पसंद है। ठीक है, दोनों मिलकर ही करते हैं, 50-50। ओके दोस्त, पेड़ा, ये शादी होते ही सारा पैसा ट्रांसफर कर देना। तब तक किस लिए सर? आप हाँ कह दो, मैं 5 मिनट में ट्रांसफर करता हूँ। कभी कभी समय मौकों को दूर कर देता है सर। हाँ कहिए सर। सर आपका नाम दीजिए, मैं हैदराबाद से हवाला कर देता हूँ। ये तो मुझसे भी बड़ा उल्लू है, इसीलिए तो इसे सिलेक्ट किया है। इसमें तो गोवर्धन नाम लिखा है। वो दिलीप कुमार के ससुर जी हैं, खुद के नाम पर करना ठीक नहीं रहेगा, इसीलिए। और ये दूसरा अकाउंट नंबर किसका है सर? मीडिएटर का, 5% अलग से ट्रांसफर करना। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए मीडिएटर को कमीशन मिलना चाहिए, क्यों, है ना सर? मीडिएटर तो यही है ना। आपको कैसे पता चला सर? लीगली भी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। कभी कभी कर लेना चाहिए ना। भगवान के आशीर्वाद से तुम माफिया में नहीं घुसे हो, वरना सारे माफिया पगला गए होते अब तक। थैंक यू सर। शर्मा रहे हो? फ्रेंड्स, टुडे इज अ स्पेशल डे। मैं और मेरा दोस्त एक स्पेशल प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। टू ग्रेस दिस ओकेजन आई एम गोइंग टू ओपन अ स्पेशल बॉटल विच इज कॉस्ट 25 लाख। 25 लाख का फटका। तुम ये क्या बात कर रहे हो सीनू? कल हमारी शादी है और अब ये सब क्यों? अंजलि एक बार तुम मेरी बात तो मानो, क्यों का जवाब तुम्हें खुद ही मिल जाएगा। तुम पहले जाओ प्लीज। ठीक है, बस करो दोस्त, बहुत पी चुके हो। अरे छोड़ ना, अब दोबारा ये ओकेजन नहीं आएगा, एंजॉय। पापा मुझे ये शादी नहीं करनी। तुम नकली शादी की बात कर रही हो ना? ना नकली ना असली, मुझे शादी ही नहीं करनी। hey, तुम चुप रहो। ठीक है बेटी, तुम्हें जो पसंद नहीं हुआ मैं नहीं करूंगा। दोस्त ये शादी कैंसिल करो, हम इंडिया जा रहे हैं। जैसे अपनी सगी बेटी की भलाई की बात कर रहे हो। इन्होंने अपनी सगी बेटी से ज्यादा लाड़ देकर मुझे पाला है। क्यों पाला है तुम्हें? तुमसे मिलने वाले पैसों के लिए। वरना जिस दिन तुम्हारे माँ बाप को मारा था ना, उसी दिन तुझे भी मार देते। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अंजलि तुम इस पे भरोसा मत करो। भरोसा मत करो? क्या भरोसा मत करो? ए अंजलि, अपने सगे भाई और भाभी को मारने वाला ये तेरी जान को भी नहीं छोड़ेगा। मतलब मेरे मम्मी पापा? हाँ, इसी ने मारा है। तुम्हारे बाप की किस्मत अच्छी थी जो वो बच निकला। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने ही गांव को धोखा देकर लोगों का पैसा चोरी करके उसका इल्जाम भी तुम्हारे ही पाप पर लगाया। पूछो इससे सच है कि नहीं। मतलब मेरे पापा? भगवान, भगवान जैसे तुम्हारे बाप को, देवी जैसी तुम्हारी माँ को, तुमसे दूर करने वाला दुष्ट आदमी यही है, मैं सबूत हूँ। hey, आइडिया तुमने ही दिया था ना? आइडिया मैं नहीं दिया था, मैं तो क्रिमिनल था, लेकिन तुम्हारी तरह भैया भाभी को मारने वाला क्रिमिनल नहीं हूँ। hey, तुम चाहो या ना चाहो, जो सोचा था वो होकर ही रहेगा। मेरे बेटे के साथ अंजलि की शादी होने के बाद ही यहाँ से कोई वापस जा सकता है। बेटा, I will take care, sir. Okay. अंजलि, ये सब क्या है सीनू? मुझे ये सब जानने के लिए तुमने? हाँ अंजलि, तुम खुद ये सच जानो इसलिए। मुझे मेरे पापा को देखना है सीनू, प्लीज मुझे मेरे पापा के पास ले चलो। यही तुम्हारे पापा हैं। ये है। 15 सालों से तुम्हारे प्यार के लिए जो तरसते रहे वो यही है। पापा। इस दिल से कोई मेरी धड़कन को दोबारा इस दिल तक आने में इतने साल लग गए बेटी। सॉरी पापा, मैंने आपको गलत समझा। नहीं बेटी, तुम मेरी बेटी हो। ए,
सब बेटी मिलने के बाद दामाद को ढूंढते हैं, लेकिन मेरे भगवान ने मुझे दामाद से पहले मिलाकर बाद में बेटी से मिलवाया। तो यही है कहानी। हमें यहाँ से बाहर भगाने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा गुनाह, तुम सबने मिलकर मेरे बॉस को धोखा दिया है। देख लूंगा, यू आर ऑल फिनिश्ड। पेड़ा जी सुनिए तो। सीनू सीनू, जस्ट वेट सीनू, ये सीन मुझ पर छोड़ दो, लेट मी हैंडल दिस। तुम क्या हैंडल करोगे? बस देखते जाओ, मैं इससे दो सवाल करूंगा तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। लुंगी बाबा के बारे में बॉस को किसने कहा था? मैंने। उसी वजह से शादी रुक गई। पौधे से पेट्रोल निकलता है, ये बात तुम्हारे बॉस को किसने बताई? मैंने। इसीलिए तो 500 करोड़ रुपए के हवाला में चले गए। वो ना, इन सभी ने मिलकर मेरे बॉस को धोखा दिया, ये बताऊंगा? अबे तू गधा, ये सारी बातें उन्हें जाके बताएगा, इसीलिए तो इन लोगों ने तुझे फंसाया है। ओए, मीडिएटर को 5 करोड़ रुपए कमीशन देना था ना, वो किसके अकाउंट में डाला है बोलो? बोलना किसके अकाउंट में डाला है, पहले देख ले तेरे अकाउंट में है कि नहीं, जल्दी देखना। ये तो मेरा अकाउंट है। हाँ तेरा ही है ना। अबे तुझे पाकिस्तान पता है ना? हाँ, ये तो पता। और कजाकिस्तान पता है ना, वो रशिया में। ये लोग फसाविस्तान से कहाँ है पता नहीं, एक बार घुस जाओ तो समझो फंस गए। दामाद जी सुबह ही शादी है, कैसे जाएंगे? अपने पेड़ा जी है ना, चार्टर्ड फ्लाइट में यही लेकर जाएंगे। मैं और चार्टर्ड फ्लाइट में? अभी आया समझ में? सर अगर आप यहाँ रहेंगे तो भानु भाई आपको जिंदा छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। अब बता बेटा, हमारा रुपया बड़ा है या तेरा दिरहम? रुपया कमाने वाला आपका ब्रेन बड़ा है सर। अब ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी चलो। चलो चलो। तुम भाई, इतने दिनों तक तुम्हारे साथ नरसिम्हा था। डैड, अंजलि तो हवेली में दिखाई नहीं दे रही। दिखाई नहीं दे रहे, भाग गए वो। बाबा आप यहाँ? उन सभी ने तुम्हें धोखा दिया है भानु, इस पैलेस से भाग गए। ये देखो कि शारजाह से ना भागने पाए। चलो आओ जल्दी आओ, चलो चलो चलो, कमॉन कमॉन, जल्दी करो जल्दी करो। हीरोइन डैड, एयरपोर्ट का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हामिद को फोन लगा। ठीक है। सो यू आर फ्रॉम द फिल्म क्रू? या हीरो हीरोइन एंड आई एम द प्रोड्यूसर। ओह, हु इज द डायरेक्टर? ये मैं ही हूं ना। हीरोइन क्या हुआ, वो उठा नहीं रहे? कैसे नहीं उठा रहे, ट्राई करो ट्राई करो, क्यों नहीं उठा रहा? व्हाट इज द स्टोरी? स्टोरी, हीरो इज अ रिच फेलो, आता मैरिड अ पुअर फेलो। आता? आता मींस आंटी, आंटी। ओ। ताता अपसेट। ताता? ताता मींस ग्रैंडफादर। ताता वांट्स टू आता कम बैक। हीरो कम्स टू इंडिया एंड कन्विंस आता। आता कम बैक। ताता इज वेरी हैप्पी। वल्ला मजा आ गया। वेरी हार्ट टचिंग स्टोरी। यू बिलीव इट? थैंक यू सो मच। यू कैन प्रोसीड नाउ। चलो चलो सर। चलो चलो जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है, जल्दी करो। सलाम वालेकुम बानू भाई। हमीद भाई लाइन पर है डैड। सलाम वालेकुम हमीद। सेंड मी देयर फोटोस। आई विल सेंड यू हमीद। भानु भाई का आदमी है।
मुझे मार डाल, मार डाल। अरे पेड़ा, साइनाइड नाम का जहर होता है ना, जीप पे रख के ही मर जाते हैं, फ्लाइट में कहीं मिलेगा क्या? गो गो, वी मस्ट स्टॉप द फ्लाइट। मोर मोर, वी हैव टू बी मोर फास्टर, कम ऑन। गो 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 गो। हे यू, स्टॉप द फ्लाइट, आई सेड स्टॉप इट। रामा रामा, भानु बाबा, उनसे पहले हमें हैदराबाद पहुंचना होगा, तैयारी करो। जी बाबा। यू सुपर्ब सीनू, आई लव यू। सर हम हैदराबाद तो आ गए, लेकिन अब भी रिस्क तो है ना? रिस्क तो रहेगा ही, जब तक ये साथ में है रिस्क ना रहे ऐसा हो ही नहीं सकता। नमा जी, बहुत देर से कंट्रोल करा था, एक नंबर होकर आता। जल्दी आना ससुर जी। क्यों भैया, यात्रा कैसी रही? सीनो, चुप रहिए सर, बेकार में टेंशन क्यों ले रहे हो? ये कैसी बातें कर रहे हो, हमारी जगह होते तो पता चलता टेंशन क्या है। इसे देखो, ऐसे लग रहा है कि हार्ट अटैक आ जाएगा। अरे भाई चलो अब। हाँ हाँ चलिए। ससुर जी, आपकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है, अब तक जहां आपको चोर समझ रहे थे वहीं पर हम शेर बन के जा रहे हैं। लेकिन सच बताने से वो मानेंगे क्या? हम बताएंगे नहीं, दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे सीनू? इसे, कल रात पार्टी में भानु ने जो कुछ भी बोला था उसे हमने चुपचाप रिकॉर्ड कर लिया था। तो फिर ये पैसे? अपने लोग वहां से विड्रॉल करके निकल चुके हैं, हमें रास्ते में ही मिलेंगे। क्या डिम्पल, टेंशन में लग रहे हो? टेंशन में तो रहूंगा ना सर, उस भाई को ऐसे ही सीनू वहाँ छोड़कर आ गया है, पता है ना वो कितना डेंजर है, फिर भी पूछ रहे हो, टेंशन नहीं होगा? मार देना था ना। अरे मैंने तो मारने के लिए कहा था, लेकिन ये धर्मात्मा है ना, छोड़कर आ गया। अरे इसमें मेरी भी गलती है ना, हाथ में करंट था ना, 4-5 पॉइंट बढ़ाकर लगा देता तो वही राख हो जाता। तुम ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? अगर मैं असली भाई होता तो तुम्हारा रिएक्शन कैसा होता? बॉडी लैंग्वेज कुछ बदली लग रही है, कहीं एयरपोर्ट पे एक्सचेंज तो नहीं हो गए? क्या डिंपल जी, आप इतना घबरा रहे हैं? अरे इनकी बातें ही घबराने वाली हैं। सुनिए जी, वो फटी आंखों से देखता रहता था, बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं था। अगर ऐसे कंडीशन में कोई हो तो वो हमारी बातें सुन तो नहीं पाता होगा ना, इसीलिए जुबान कंट्रोल में रहनी चाहिए। ऐसी बातें करके क्यों डरा रहे हो? धड़कन रुकने लगी। धड़कन की बात पे गाड़ी क्यों रुकी? नरसिम्हा भाई आइए। अरे पेड़ा सर, अपनी मासूमियत को धोखा देकर कमाया पैसा है ये, जरा ध्यान से देख लो इसे। थोड़ा हमें भी देने को बोलो ना सर, किसी रेगिस्तान में जाकर जिंदगी जी लेंगे। इसे जहाँ जाना है वहीं पहुँचेगा, एक रुपया भी कोई नहीं लेगा। मेहनत करके कमाने वाला भी आप जैसा कमिटमेंट नहीं करेगा, अगर देना नहीं है तो ये एग्जीबिशन क्यों? चलो चलते हैं, अगर कोई आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दामाद जी, ससुर जी, ऐसे क्या देख रहे हो? मैं तुम्हारा ससुर हूँ, वो भाई है। दामाद जी मैं, कौन है तेरा दामाद? ए डिंपल इधर आओ, बताओ तुमने वो करंट इसे ही दिया था ना? ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं कोई लाइनमैन हूँ जो हर बात पर करंट दिया कहकर मुझे याद दिलाते रहते हो?
सिनो कंफ्यूज मत हो, दबा जी वो भाई है, भरोसा मत करना, मैं तुम्हारा ससुर हूँ। दबा जी तूने इतना प्लान किया तो मुझे कितना प्लान करना चाहिए। डिंपल इधर आ। सीनू इसने कुछ पेन ड्राइव के बारे में कहा था ना, निकालो। ये लीजिए सर, अब मैं चलता हूँ सर। कहाँ जा रहे हो? अभी हमें कुछ और लोगों को मारना है, समझ गया ना? हे गार्डो से ये करंट लगाना तुमने कहाँ से सीखा? सर मुझसे कुछ मत पूछिए, मेरी हालत कुछ ठीक नहीं है सर, लगता है किडनी गल के पिलपिली हो गई है। वैसे अब रुखसाना कैसी है? सर मेरी सिचुएशन को इमोशन से क्यों जोड़ रहे हैं? मेरे फ्रस्ट्रेशन को समझे बिना रुखसाना के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? ए, ए, आवाज में दम आ रही है। सर मैं जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? तुमसे तो अभी बहुत काम है, चलो। भैया बेटी की शादी देखकर दाल चावल खाकर आराम से स्वर्ग चले जाना। ए, तुम जाकर उस लड़की को अब... कोई काम शुरू करो तो उसे खत्म भी करना चाहिए। तूने शुरुआत की है, मैं खत्म करूंगा। तमाचे वो अंजलि को उठा कर ले जा रहे हैं। जल्दी 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 चलो, हम वहाँ कितनी मुश्किल से पेट्रोल निकालते हैं और तुम लोग इतना सारा पेट्रोल चेजिंग में बर्बाद कर लेते हो। के नीचे बजाऊंगा तेरे, यहाँ जान जा रही है और तुझे पेट्रोल की पड़ी है, अकल से पैदल है तू। अबे ओए, मेरी उम्र फाइट की नहीं रही ये तो समझ में आता है, सांड जैसा होकर तू क्यों नहीं फाइट करता? क्या है ना, किसकी तरफ से फाइट करूं ये समझ में नहीं आ रहा है। अबे तू अर्जुन या भीष्म नहीं है, शिखंडी है तू। दबाजी, दबाजी, ए दबाजी, दबाजी,
तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने गांव को धोखा देकर उनका पैसा चुरा कर इल्जाम तुम्हारे बाप पर लगा दिया। रुक जाइए, सब पीछे जाइए, आप लेकर जाइए। भाई इतने दिनों तक आपको गलत समझते रहे, हमें माफ कर देना। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अपनी खुशी के लिए इन्होंने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। करेक्ट सर, अब हमारा क्या होगा सर? किसी और बकरे को ढूंढना पड़ेगा। और क्या, कहाँ मिलेगा सर? मिलेगा मिलेगा।